मैं तो प्राणा को बोलूंगा सीधा मोबाइल से कास्ट हो गया चालू ना, कर। 60 हो गया ना, अभी हो जाएगा, इतना टाइम थोड़ी लगता है, इतना टाइम थोड़ी लगता है। हो गया ले, प्राणा स्टार्ट हो चुकी है स्ट्रीम, तेरे को स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ चल अभी अपन गेम की स्क्रीन देखते हैं। अबे पंखेरा आवाज आ रहा है, कम कर दे, चलेगा उतना चलेगा। अभी तू मेरे को लिंक भेजा हुआ है ना, वही है ना? पीछे से व्हाट्सएप हटा नहीं तो टक 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 कर रहा है। हटा दिया, हटा दिया, माइक चालू है बेटा। हेलो प्राणा, है इसको जा फिर इमेज पे। अबे आवाज़ें बंद है ना, कैसा आवाज़ है? चालू है, मेरा आवाज़ बंद है। हेलो, तेरा आवाज़ जा रही है स्ट्रीम पे। तो गुड आफ्टरनून गाइस, आज का ये डे 3 है, फाइनल मैच है नरविघ्न गणेश उत्सव 2020 का, जो कि कॉलेज का टूर्नामेंट है, ड्यूओ टूर्नामेंट। आज उसका फाइनल्स है, फाइनल मैच, दो मैचेस है। तो उसी तरह आज मेरे साथ वापस जुड़े अपने को कास्टर प्रणय गजेंद्र यादव, और उनके साथ और एक एड आउट है ओम जोशी। हेलो हेलो गाइस, क्या हाल है? सब सही है? हेलो प्रणय को कास्टर, क्या हमारी आवाज आ रही है आपको? अरे अरे आप स्ट्रीम, आप स्ट्रीम पे हो, प्लीज कुछ बात कर लीजिए। क्या हाल है पब्लिक? आज लास्ट डे, फाइनल डे है। कल की जो परफॉर्मेंस थी सब टीम की काफी अच्छी थी, और मुझे जो फेवरेट लगी थी ट्रिपल सेवन फ्रैंकी, और जो बीएचपी वाली टीम थी सांची वो तो प्लस है। देखते हैं आज वो अपना कमाल वापस दिखा पाते हैं या नहीं, और काफी कड़ा मुकाबला था क्योंकि क्योंकि जो बाकी की टीम थी जैसे टीजी टॉक्सिक और आरपीजी, ये भी टीम आगे बढ़े थे। तो देखते हैं आज क्या होता है। ओवर टू यू शार्दुल। अबे स्ट्रीम स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट कहाँ पे? मेरे को तो नहीं दिख रही लिंक में, रुक मैं लिंक देखता हूँ। सीमेंट डालनी है ये दोनों में से, ये वाली डन। वेट, पहले हाइड कर, ऊपर दिख रही है वो सीमेंट, नीचे ले ले बस। अच्छा प्रणय, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो चलिए कल के स्कोर बोर्ड्स की तरफ बढ़ते हुए अपन देखते हैं कि कौन सी टीम्स आज खेलेगी, कौन सी टीम डिस्क्वालीफाइड है, और कौन सी टीम्स को आज मतलब जीतने के लिए कितने पॉइंट्स आगे है पीछे। तो उसी तरह हम चलते हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। तो ये रहा स्कोर बोर्ड हमारा, जो कि है क्या प्रणय, आपको स्कोर बोर्ड दिख रहा है? नहीं, वो काफी छोटा दिख रहा है, मुझे लगता है आप ही एक्सप्लेन करो तो अच्छा पड़ेगा। ठीक है, हम ही एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ए की टीम है वो टोटल पॉइंट्स है, उनके मैच टू टोटल जो रेड है लाइक 40, काफ़ी अच्छे टीम्स खेलने वाले, अल्फा बैक है जो 45 पॉइंट से लीड कर रहे हैं, और सबसे ऊपर जो टीम है वो 19 टीम है, लाइबिलिटी की जो टीम है उनके टोटल पॉइंट से 52। तो काफ़ी डिफरेंस हो चुका है फर्स्ट और सेकंड के बीच में, लाइक 45 देन डायरेक्टली 52, तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों के बीच में।
एंड देन अच्छे खासे टीम से, जैसे कि हमने कल देखे थे बहुत बढ़िया बढ़िया खेलने वाले प्लेयर्स से, लाइक PHP की जो टीम थी काफ़ी डेडली ड्यू निकल के आ चुके थे। और एक प्लेयर है जिनका हम नाम ले सकते हैं, लाइक आपको पता होगा प्रणय, जो 77 फ्रेंकी नाम के जो प्लेयर थे जिन्होंने फर्स्ट मैच में 7 किन किए थे सोलो प्लेयर ने, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था उनके खिलाफ। आपका क्या कहना है कि आज के टीम आपका क्या कहना है कि आज कैसे खेलेंगे टीम्स? मुझे एक्सपेक्टेशन 77 फ्रेंकी और PHP की टीम से और बाकी जो प्री टीम थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। आज देखते हैं कि ये जो घमासान होने वाला है कैसा निकल के आता है रिजल्ट। आज फाइनल से तो कुछ टीम डिस्क्वालीफाई हो चुकी है, जो टीम खेलने वाली है उनके लिए ऑल द बेस्ट और शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, आपने सही तो कहा। और एक जो सोलो प्लेयर जो कल खेल रहे थे हमारे साथ, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, आई गेस वंडर वुमेन नाम के थे वो, जिन्होंने फर्स्ट मैच काफ़ी अच्छे रोटेशंस डाले थे लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने दिक्कतों में फंस गए थे। वंडर वुमेन का एक मुझे अच्छा लगा, सिर्फ विदाउट फाइट एंगेज के वो सिर्फ रोटेशन से पर ध्यान दे रहे थे, वो उनके लिए थोड़ा बहुत लाइक प्रॉब्लम भी रहा उनके लिए कि सिर्फ रोटेशन पे ध्यान, उन्हें मुझे लगता है कि उन्हें फाइट नहीं चाहिए। तो चलिए थोड़ी देर में अगर मैच स्टार्ट होने वाला होगा अपना और उसी के साथ देखा जाएगा तो आज की टीम्स काफ़ी अलग अलग स्ट्रेटेजी से आई रहेंगी खेलने के लिए, तो देखते हैं कि कौन सी टीम यहाँ पे विनर विनर चिकन डिनर निकाल के जाती है और निर्विघ्न महाउत्सव गणेश उत्सव 2020 कौन सा टीम निकाल के जाते हैं। चलिए देखते हैं थोड़े देर में। गाइस चैट पे जो भी है अपने टीम को सपोर्ट कीजिए, और ये मैच शुरू हो चुका है हमारा और लॉग सब है। प्रणय आपको क्या हमारा स्क्रीन दिख रहा है, क्योंकि आप इस बार थोड़ा दूर बैठे हैं हमसे तो शायद। और अगर देखा जाए तो प्लेन की ये वापस से जो फर्स्ट नंबर है, आई गेस इनका डिवाइस कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, टीम नंबर 1 में हमेशा मतलब रहते हैं और फटाक से हमें स्क्रीन पे दिखाई दे देते हैं। और अगर प्लेन की ट्रेजेक्ट्री देखा जाएगा तो ये प्रीमॉक्स से होके पेरिफेरर से ऊपर स्कूल कोचिंग का एरिया लेते हुए स्टेलबर्ग कामिश की तक ख़त्म हो सकती है। तो आप अगर आप इस मैच में रहते तो आप कहाँ पर उतरते? इस मैच में अगर सेफ उतरना होता तो मैं सदर नहीं जाता या फिर रश टीम के ना रहेगा तो कोचिंग की, तो ये दो जगह जो मेरे वो फेवरेट है। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे धीरे धीरे टीम्स उतरना चालू हो चुकी है, ग्लाइड करते करते कुछ टीम्स क्वेरी के साइड जा रही है। और आपको क्या लगता है कि ये जोन कौन सी तरफ करवट लेगा नेक्स्ट, जो भी जोन बनेगा? मुझे लगता है ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड जोन बनेगा जॉर्ज और कोचिंग को लेके, मेरे हिसाब से तो सेंटर जोन बनेगा। और ये GSM57 की जो टीम है कल भी बहुत अच्छा खेल रही थी, इन्होंने अपने रोटेशंस पे और बहुत अलग जगह लूटने गए थे ये। जी हाँ, ये इनका भी प्ले गेम पे अच्छा था। हम सर्कल की बात करें तो शायद अब तक सर्कल बन चुका होगा। नहीं अभी तक लोग यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक कोचिंग टीम में तीन चार टीम्स उतरते हुए दिखते हुए, और अगर देखे जाएंगे तो यहाँ पे इनको मौली कुछ एक सिर्फ नो गन्स के अलावा सिर्फ गन के तलाश में, और इनके आजू बाजू देख सकते हैं हम जैसे कि तीन चार टीम है ऑलरेडी, इसमें एक सोलो प्लेयर भी है जिनके ऊपर ऑलरेडी फायर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं और उनके पास सिर्फ एक शॉर्ट गन है। और ये टीम नंबर एट के ST K1808 को ऑलमोस्ट 20 HP पे छोड़ दिया और यहाँ पे हीलिंग्स लगाते हुए यहाँ पे मेरे हिसाब से तो तुरंत पुश आता होगा टीम नंबर 3 का। हमने कल भी देखा था कि जो टीम नंबर 3 थी वो काफ़ी अच्छी खेल रही थी और एक चिकन डिनर भी उन्होंने निकाला था, देखते हैं ये वाली फाइट को कैसे लेते। और अगर टीम नंबर 3 की बात किए जाए तो उनके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ उजी आ गई है, हार्मर और हेलमेट वैश की अभी तक कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की वो, लेकिन उनके पास एक उजी है। और उनके सेकंड प्लेयर के पास जो वॉल्वरिन है उनके पास देखा जाएगा तो एक UMP प्लस M16 है जो काफ़ी अच्छी गन हो सकती है एक प्लेयर को बाहर निकालने के लिए। हाँ,
काफी सच बात। और हम देख सकते हैं ट्रिपल सेवन फ्रैंकी की कोचिंग भी नहीं उतरे है, उनकी टीम भी कल काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो देखते हैं वो अभी इस फाइट को कैसे निकालते हैं, क्योंकि इस कोचिंग की में तीन चार टीम्स अभी मौजूद है और देखते हैं पहले एलिमिनेशन कौन सा होता है। जी हाँ, जरूर देखा जाएंगे। 777 फ्रेंकी पे एक बहुत बेहतरीन प्लेयर है हम कह सकते हैं, और जो थर्ड टीम है योरसेल्फ और वुल्वरिन की, ये डेडली डियो भी काफ़ी अच्छा खेलता है, उनको पता है अपने गेम्स कैसे निकाले जा सकते हैं, कहाँ पे कौन सी रोटेशन मारने। तो हमें उन्होंने ऑलमोस्ट उनके सेकंड प्लेयर जो वुल्वरिन थे उन्होंने 1 HP छोड़ दिया है टीम नंबर 8 के, और यहाँ पे एक नेड पुल ऑफ किया है योरसेल्फ ने, और ये नेड अगर कनेक्ट हुआ सही से तो प्लेयर नॉकआउट हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे पूछ जाते हुए उन्होंने साउंड काफ़ी बेहतरीन साउंड सेंस उनका, उन्होंने सुन लिया था कि प्लेयर नीचे कूद रहा है। और देखते देखते टीम नंबर 8 जो थे सोलो प्लेयर SK, वो बाहर हो चुके हैं बहुत अर्ली एग्जिट लेते हुए गेम के, तो आने वाले मैच में उनको मुश्किलें हो सकती है। काफी अच्छी बात, आने वाले मैच में उनको मुश्किल हो सकती है, और वो सोलो प्लेयर होने के कारण उनका जो टीम उन्होंने जितना ट्राई कर सकते थे उतना ट्राई किया होल्ड करने का, बट वुल्वरिन और योरसेल्फ हमने पहले भी देखा है वो काफी अच्छा खेलते हैं, उनके जो टीम वर्क है वो काफी अच्छा है। तो अभी ये टीम वर्क शूटिंग ट्रिपल सेवन फ्रैंकी का पुश चाहते हुए, और ये एक एक 3-1-3 इमरान को उन्होंने फिनिश कर चुका है, ताकि देखा जाए तो अभी कोचिंग में दो ही टीम रह चुके हैं, एक ट्रिपल सेवन फ्रैंकी टीम एंड टीम नंबर 3 वुल्वरिन। और यहाँ पे अगर टीम नंबर 4 की जो DCC डैडी है वो उनको देखा जाए तो आई गेस ये सेवरनी वाला एरिया है जहाँ पे वो आराम से लूट ले रहे हैं अपनी, आई एम सॉरी, सेवरनी लिपोपा वाला एरिया जहाँ पे आराम से लूट ले रही है अपनी टीम शेड्यू, वो ज़्यादा एंगेज नहीं होना चाहेंगे। और अगर हम ध्यान दें तो सेवरनी की तरफ एक टीम नंबर 20 और आई गेस रेक्स की टीम है जो कल के मैच में काफ़ी अच्छा खेल रहे थे सेकेंड मैच में, उनके सामने मुझे मैप में दिख रहे टीम नंबर 13 टॉक्सिक आशु, तो देखते हैं इनकी अगर फाइट हुई तो कितने लंबी चलेगी, क्योंकि इन दोनों को जोन में जाने का है जो कि 900 मीटर से। और अगर अपन स्किल फील्ड में देखेंगे तो जयवंत वाड़ेकर ने एक बंदे को नॉक एंड फिनिश डाल चुके हैं ऑलरेडी। जयवंत वाड़ेकर भी काफी अच्छा गेम थे कल भी, इन्होंने दिखाया था काफी अच्छे 5 kills लिए थे, बट जयवंत वाड़ेकर आई एम प्रूव की दोनों डेडली कॉम्बो है, देखते हैं इनकी फाइट आगे कैसे बढ़ती है। और ये इन्होंने स्पॉट तो कर लिया है टीम के सामने 28 के प्लेयर को, और अभी पुश करने की कोशिश रहेगी, स्पॉट होने के बाद काफी अच्छा पुश जाएगा इनका, देखते हैं कैसे फाइट लेते हैं। अगर हम मैप की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पे टीम नंबर 27 किरा 2000 एंड टीम नंबर 10 के आईटीयूज वेद उनके साथ फाइट हो रही है। मैं देख रहा हूँ ये किरा के वंडर वुमेन जो कल थे सोलो प्लेयर वो मर चुके हैं ऑलरेडी, हमें थोड़ा सा लेट हो गया उनकी ट्रैजेक्टरी देखने के लिए, देखते हैं उनके जो टीममेट है कैसे फाइट निकालते हैं आगे की, देखते हैं जरूर। देखा जाए तो आईटीएस वेद भी इनका भी कल प्रदर्शन अच्छा था, और आईटीएस वेद और डेथ कॉर्ड दोनों का ही प्रदर्शन अच्छा था, पर अभी डेथ कॉर्ड जो पीछे तो आगे आ चुके और कीरा पर पुश करने का पीछे से बैकशॉट करने की कोशिश करेंगे कीरा को, देखते हैं कैसा होता है। देखते हैं, आपने बराबर सही क्या, एक प्लेयर ने अपने कॉल तो दी रहेगी कि और एक यहाँ पे जो प्लेयर है वो है इनके, और फटाक से इजीली स्क्वाड वाइप कर सकते हैं अगर देखा जाएगा तो। और इसी के साथ रेक्स के एक प्लेयर ने किसी को नॉक कर दिया और पूरा फिनिश भी डाल दिया है, और ये शायद एक प्लेयर उन्होंने वाइप कर दिया, रेक्स PGP की जो टीम है उन्होंने एक इसको वाइप कर चुके हैं पूरा, बहुत बढ़िया प्रदर्शन उनकी तरफ से। हमने जो कल देखा था रेक्स की जो टीम थी वो काफी अच्छा खेल रही थी, लास्ट के जोन तक भी वो लाइक थे दोनों मैच में आई गेस, तो उनका भी बड़ा चांस है ये गणेश उत्सव जीतने का,
देखते आगे कैसे करते हैं। अगर हम देखा जाएंगे तो ये रेक्स के दो टीमें आप पे टोटल लाइक 2021 और आइटस के, आइटस ने कीरा को मार दिया, इसी के साथ वो टीम आई गेस एलिमिनेट हो चुकी है और उनको भी बहुत प्रॉब्लम होगा। इन्होंने कल भी बहुत जल्दी एग्जिट ली थी, अर्ली एग्जिट ली थी गेम में वंडर वुमेन ने, तो उनके ही टीम मेंबर है जो कीरा 2000, वो भी इस बार गेम के बाहर हो चुके हैं, तो आगे वाले मैच के लिए इनके लिए बहुत तकलीफें हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि अभी वंडर वुमेन और कीरा वाली टीम आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि अभी इनकी इसके बाद एक ही मैच होने वाला है और पॉइंट टेबल तो काफी नीचे है। अगर हम मैप की तरफ ध्यान दें तो सारे टीम्स को जोन में थोड़ा थोड़ा आना है और ये दो आइलैंड में मैप डिवाइड हो चुका है, एक फार्म नोवर एपनोवो और एक मिलिट्री बेस वाला, जहाँ पे मिलिट्री बेस पे ड्रॉप है और कोई भी प्लेयर सभी वहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे पोचिंगी में दो एक टीम ऑलरेडी मौजूद है, तो स्टार्टिंग से जो दोनों टीम कल बहुत डोमिनेटिंग खेल रही थी, टीम नंबर 3 योरसेल्फ वाली टीम और टीम 77 फ्रेंकी वाली, दोनों टॉप टीम का घमासान होने वाला है कोचिंग की में। देखते हैं फुर्सत तो आ ही गई होगी उनको और देखते हैं फाइट कैसे आगे बढ़ती है, कौन फाइट को ओवरकम करके कोचिंग की को अपने नाम करता है। क्या ये फ्रेंकी का जो ओवर एग्रेशन है वो क्या सक्सेसफुल होगा? मुझे तो लग रहा है कि ये ज़्यादा ही ओपन में आ चुके हैं, अगर कोई प्लेयर ऊपर चढ़ता है उनको इजीली स्पॉट आउट कर सकता है। अगर हम देखा जाए तो अच्छा खासे स्मोक्स और ये नेड्स का इस्तेमाल कर रहे ताकि एक हाथ प्लेयर का ओपनिंग हमें मिल सके। काफी अच्छी फुर्सत तो आई होगी बट फ्रेंकी जो है वो काफी ओपन है, बट आई गेस उनके लेफ्ट साइड कोई है नहीं, सो लेफ्ट साइड से शॉट्स तो पड़ेंगे नहीं, जो भी है सामने से ही पड़ेंगे। और ये वैसे देखता जा पीछे जा चुके हैं और आगे फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम जैसे कि हमेशा बोलते हुए आए ये कोचिंग की फाइट है, तो काफ़ी देर तक ये चलती है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कंपाउंड से काफ़ी कवर मिल जाता है हमें और काफ़ी मतलब पेशेंस, जहाँ जिस टीम ने यहाँ पे पेशेंस दिखाया वो टीम मैंने तो देखा है निकाल जाती है हमेशा ये एरिया। और अगर देखा जाएगा तो ये एरिया जोन में तो काफ़ी लंबा फाइट चलेगा और ये 77 फ्रेंकी का बहुत बेहतरीन नॉक आते हुए, इन्होंने शायद एक डोर के गैप से नॉक निकाला है और ये नेड पुल कर चुके हैं और काफी बेहतरीन फाइट और ये क्लोज रेंज में आते हुए और ये थ्री डबल जो थ्री थर्ड की जो टीम थ्री लाइक योरसेल्फ भी वो यहाँ पे बाहर कर दिए 77 फ्रेंकी ने, उन्होंने काफी बेहतरीन ओपनिंग निकाला है, लाइक उन्होंने स्पॉटिंग लेवल्स उनका बेस्ट था, उन्होंने डोर के थ्रू नॉक एंड नॉक डाल दिया और उन्होंने एक प्री नेड कर दिया ताकि वो रेव ना दे सके। 777 फ्रेंकी का काफी अच्छा गेम प्ले है, ये बंदा ओपी है भाई, ये बंदा ओपी है भाई, को चैट पे भाई 777 फ्रेंकी को सपोर्ट मिलना चाहिए, जो भी चैट पे 777 फ्रेंकी का फैन है प्लीज ओपी डाले। और हम अगर देख के जाए तो आपकी जो फेवरेट टीम है पीएचपी की वो आ चुकी है ड्रॉप के पास में ड्रॉप लूटने के लिए, पीएचपी की जो टीम थी वो ड्रॉप लूटने के लिए आ चुकी है, तोतला सेट और तोतला सेट और नानजी भाई इनके नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग और आई गेस इनके पास एक फ्लेयर थी अगर मेरे साउंड्स, हाँ राइट, नानजी भाई ने यहाँ पे फ्लेयर मंगा दिए मिलिट्री से, तो इनके पास डबल ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका है, इन्होंने जो एयर ड्रॉप था सरकारी ड्रॉप हम जिसे बोलते हैं वो ऑलरेडी लूट चुके हैं और एक पावरफुल फ्लेयर ड्रॉप भी उन्होंने मंगाया है। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो मैं 2 मिनट में आपसे ज्वाइन करता हूँ। आप ठीक है बट चलिए। और यहाँ पे पीएचपी के नानजी भाई डांस करते हुए हुक्स, यहाँ पे जो पबजी के प्लेयर्स है यहाँ पे इन गेम डांस कर रहे हैं, लगता है इन्हें ड्रॉप एयर ड्रॉप दोनों मिलने की बहुत ज़्यादा खुशी है, देखते हैं आगे का गेम कैसे निकालते हैं। और अगर देखा जाए यहाँ पे तो ब्रिज की तरफ टीम नंबर 16 के वैभव कोहली और टीम नंबर 4 के डीसीसी डैडी और उनकी फाइट होती है और ये बहुत बेहतरीन नेड था टीम नंबर 4 का, जिसके कारण वैभव नॉक एंड फिनिश, सोलो प्लेयर थे लाइक उनके नेड सीधा मुंह पे फटा है तो मरते हुए।
और अगर हम अगर वापस मैप के इनके पास एक क्रेट एक्स्ट्रा मिल चुकी है लूटने के लिए, काफ़ी अच्छी लूट हो जाती है प्लेयर्स की अगर वो नॉक एंड फिनिश करते जाते प्लेयर्स को तो। एंड अगर हम कहीं और चले तो मैप में टीम नंबर यहाँ पे आई एम ग्रुप ने और एक नॉक निकालते हुए, आई एम ग्रुप ने लाइट द एम्परर को फिनिश कर दिया और 1,00,000 मौत जो कल अच्छा खेल रहे थे उनको भी बाहर निकाल दिया है। यहाँ पे काफी अच्छा बेहतरीन गेम प्ले आई एम ग्रुप की तरफ से। जैसे कि मैंने कहा आई एम ग्रुप वाली जो टीम है वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी कल भी और आज भी, तो देखते आगे जैसे यहाँ पे टीम नंबर वन के सामने, यहाँ पे टीम नंबर वन के सामने टीम नंबर फोर गाड़ी से आगे जाते हुए दोनों प्लेयर गाड़ी से चेस कर रहे एक दूसरे को और टीम नंबर फोर रुक चुकी है, इनके ऊपर कुछ शॉट्स फायर किए गए, देखते हैं कि आप कौन। अरे बहुत बेहतरीन नॉक निकाला है टीम नंबर वन के प्लेयर ने, रनिंग गाड़ी में से नॉक निकालना इज वेरी डिफिकल्ट, उन्होंने एक बहुत बेहतरीन नॉक, और ये टीम नंबर फोर जो डैडी की टीम थी उनको बाहर कर दिया है इस मैच से। इसी के साथ टीम नंबर वन के जो दिव्यांश है काफी अच्छा खेले, काफी अच्छा उन्होंने रिफ्लेक्स था लाइक गाड़ी से उतर के फटाक से उन्होंने बंदे फिनिश करने चाहे, उनका स्प्रे भी काफी अच्छा था, तारीफ करने लायक था इसलिए काफी तारीफेबल स्प्रे था। आपका क्या कहना है प्रणय? चलती गाड़ी से नॉक निकालना मुझे तो कभी आया नहीं। आजकल के जो ट्रेंड्स जो है और आजकल जो प्रैक्टिस करते हैं लोग काफी अच्छा खेलने लगे हैं। जब हमने स्टार्ट किया था पबजी तभी तो कोई ऐसा कोई इतना अच्छा तो कोई खेलता नहीं था, सब बॉट सर्वर रहता था, बट अभी तो बॉट सर्वर मिलना बहुत मुश्किल है। अगर हम टीम नंबर 12 की तरफ बढ़े जिनका नाम है सना 890, आई गैस मैं अगर सोचूं तो अगर लड़की हो सकती है लड़की हो सकती है, उनके पास अगर देखा जाएगा तो एक व्हीकल की थोड़ी कमी है एंड बोलते ही उनके सामने एक US मिल चुकी है उनको, तो उनके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ लूट है लाइक 2 मैड किट्स है, एनर्जी ड्रिंक्स है, यूटिलिटीज़ थोड़ी कम से, स्मोक्स एंड नेड्स वो और थोड़ा लूट करना चाहेंगे ऑफकोर्सली, और एक काफ़ी सेफ है इनके आजू बाजू बहुत कम टीम से देखा जाए तो। और अगर हम और आगे बढ़ते हैं किसी और की टीम की तरफ लाइक वो गॉड वाली जो टीम थी डेथ गॉड वाली टीम, इनके टीम स्किल 2 हो चुकी है, आईटी विनर्स ने काफ़ी अच्छा वो वंडर वुमेन और वो वाली जो टीम थी उनको बाहर कर दिया है। और देखा जाए तो रोटेशन की बात करें तो PHP नानजी भाई को थोड़ी तकलीफ हो सकती है ब्रिज क्रॉस करते वक्त, और PHP नानजी भाई और PHP 2 प्लस है, हमने कल भी देखा था काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था, और इनके पास ऑब वन शॉट किल ये जो गन है काफ़ी बेहतरीन गन है, बट देखते हैं आगे इनके रोटेशन में कोई ऑफ गार्ड पकड़े जाते हैं तो फिर इन्हें इनका खेल खत्म हो सकता है। प्रणय में अगर एक बात करूँ तो मैंने हमेशा कल से जो मैच हुए उनको देखा है कि ये हमेशा ड्रॉप्स लूटने में जाते हैं लाइक दे आर नॉट प्लेइंग सेफली, दे आर लाइक रश, हम ड्रॉप लूटेंगे और हमारे पास अच्छे अच्छे गन्स हो सकते हैं, और हम जैसे कि देखे जाएंगे तो उनके पास लेवल 3 का एक बैकपैक आ चुका है, हेलमेट और वेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लेवल 3 की वो इनके पास मौजूद है, और ओम है इनके पास, ओम और ओक का कॉम्बिनेशन है, देखते हैं कि ये डीओ क्या कमाल कर दिखाता है अगले मैच में इसी मैच में। और यही बात बताते हुए हमने देखा कि स्ट्रेंजर ने आइटिस के वेद को कार्नेटेड का एक चांटा पड़ा है, उनके हेडशॉट बनकर उनको नॉक किया गया है उनको, अभी देखते हैं इनका आगे का फाइट कैसे। और आइटिस के वेद ने भी रेव होके एम्परर के लूसिफर को नॉक किया है, वो जो 777 वाली टीम है 777 फ्रैंकी वाली जो टीम उनके एक प्लेयर नॉक हो चुके हैं और फिनिश भी हो चुके हैं सेम मोमेंट, और ये जयवंत वाडेकर और कैदी 13 और अगर हम देखा जाएगा तो यहाँ पे अपने टीम नंबर 14 के प्लेयर उनको प्लेयर अपने प्लेयर को रिवाइव देते हुए, और इनके आई थिंक ये जोन के एच पे चलती हुई फाइट है तो इनको ज्यादा दिक्कत तो नहीं है जोन में आने की, और ये थोड़ा सा नेट पीछे जाते हुए वरना एक नॉक जरूर निकाल पाते टीम नंबर 36 के प्लेयर, और एक काफी अच्छा एक नॉक रिटेलिएशन फायर में मर चुके हैं, बट यहाँ पे आई थिंक सो गुड डिसीजन होगा रैप देना अपने प्लेयर को कि पहले प्लेयर फिनिश ऑफ किया है, और ये
आई एम ग्रूट ने काफी अच्छा 1v2 क्लच निकाल चुके हैं अपने टीम के लिए, और इसी के साथ वो अपने टीममेट्स जो जयवंत वाड़े करे उनको रेफ दे रहे। अगर इनकी टीम स्किल देखे जाएंगे तो 5 टीम किल हो चुके हैं और उसमें से आई एम ग्रूट के 4 किले, और इनके पास अभी लूट भी आराम से हो जाएगी। हालांकि उनकी HP 1 HP बच गई थी, बट उन्होंने काफी अच्छा गेम प्ले निकाला और काफी दोनों प्लेयर को बाहर कर दिया टीम नंबर 36 के। मैजिक पिक्सल लाइक देखा जाए तो 5 HP या 1 HP पे जो जीतता रहे कि उन्होंने 1v2 क्लच निकाला है। देखते और ये जोन का रोटेशन हम देखते हुए एक सेंटर बेस जोन आई गेस या फिर नॉर्दर्न साइड थोड़ा सा जोन किसका है, और जो दो आइलैंड जो एक्वायर किए थे जोन ने वो अभी सिर्फ एक ही आइलैंड है और जो 20% या 10% पानी है उस जोन में, तो देखते हैं अभी आगे रोटेशन कैसे होगे। अगर मैं रोटेशन की बात करने जाऊँ जो टीम PHP की है उनको काफ़ी तकलीफ होने वाली है रोटेशन में, लाइक उनको अभी रोटेशन मारना पड़ेगा या उनके लिए 110% कोई ना कोई टीम तो गेट कीप कर रही होगी श्योर। फिर उनके जो जीतने के चांसेस है जो यूटिलिटीज उनको मिली है वो थोड़ा यूज़ नहीं कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि जोन का इतना डैमेज आते रहता है प्लस सामने प्लेयर से डैमेज देते रहते हैं, तो उनको बहुत तकलीफ हो सकती है आगे के रोटेशन मारने के लिए। तो देखते हैं कि वो कैसे रोटेशंस मारते हैं और अपने कैसी जगह बनाते फाइनल्स में। हाँ, अगर कोई टीम्स ने स्टडी किया होगा कल का मैच तो हमने देखा है कि PHP नानजी और PHP तोतला सेट हमेशा नोवो रेपनोआ है और मिलिट्री बेस वाले आइलैंड में उतरते हैं, तो जिन्हें ये पता रहेगा वो पक्का वहाँ ब्रिज पे उनका वेट करेंगे और उनकी गेटकीपिंग करेंगे। तो देखते हैं अभी वो आसानी से ब्रिज क्रॉस कर पाते हैं या फिर रोटेशन के दौरान ही उनकी जो है वो समाधि बन जाती है। अगर हम टीम नंबर 20 रेक्स की जो PGP वाली जो टीम है अगर उनकी बात किया जाए तो ये अच्छा खासा एक कंपाउंड होल्ड कर बैठे, स्काउट करना चाहते कि कहाँ से बंदे आए और उनको किल्स मिले। लाइक ये शोर वाला साइड उन्होंने पकड़ लिया है जहाँ पे कंपाउंड से 2-3 वो अच्छा खासा क्यूआर करके बैठे, बस स्काउट कर रहे कि कहाँ से बंदे और हमें किल्स मिल सके। काफ़ी अच्छा गेम प्ले, और हम देख सकते हैं उनके सामने टीम नंबर 19 जो काफ़ी दूर है वो हमारे मैप में दिखे जा रही है, लाइक लोड हुई थी। मैं भी होता तो सिर्फ ये शोर वाली जगह पकड़ के आराम से स्काउट करता मैं, ताकि मैं प्लेट्स पे पॉइंट्स निकाल पाऊँ। और किल्स तो जैसे देखा है तो 2 किल्स हो चुके हैं, तो आगे जाके किल्स तो मिलने ही वाले हैं, पर प्लेसमेंट पॉइंट्स और जरूरी है। अगर हम ऐसे ही रश करके मतलब नहीं, अगर हम टीम नंबर 15 77 फ्रेंकी की टीम देखे जाए तो ये काफ़ी लेट रोटेशन मार रहे हैं। इनकी ये अभी एक सोलो प्लेयर बाकी है अपने टीम से, इनके टीम्स के किल 5 हो चुके हैं ऑलरेडी, और उनमें से 77 फ्रेंकी नाउ ऑल्सो डोमिनेटिंग, लाइक 4 किल्स है उनके। और ये PHP तोतला सेट ने एक नॉक निकाल लिया है अपेक्स किट क्लैन के सामने, तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे फाइट हो रही है। PHP के टोटला सेट अपनी जो M4 है उसके कहर बरसाते हुए और काफी अच्छे नॉक्स और शायद फिनिश भी कर चुके हैं, और हाँ देखा जाए तो एक पूरा फिनिश किया है एक स्क्वाड को टोटला सेट ने अकेले 1v2 निकालते हुए। नानजी भाई सपोर्ट के लिए थे बट जो किल थे वो PHP टोटला सेट को मिले। और कल के सेकंड मैच के शायद विनर थे PHP तोतला सेट और नानजी भाई। नहीं इनका वो लास्ट सर्कल तक गए थे बट रोटेशन से वो लोग पकड़े गए और गेट की होते हुए वो लोग नॉक अनफिनिश हो चुके थे। अगर हम टीम नंबर 6 की तरफ बढ़े तो इनके अभी तक 0 किल्स है। ये जस्ट JDL वाली जो टीम है कल हमें देखा था, और ये टीम नंबर 8 के सामने आ चुके, उनके कंपाउंड के यहाँ पे गाड़ी लगा दी है उन्होंने। देखते हैं कि इनकी फाइट कैसे चलती है, और आई गेस सीधा पुश करना चाहते ऊपर, और एक गलत डिसीजन हो सकता है एक। और टीम नंबर 28 के जो स्वॉटल है और उनके सामने आ चुके प्लेयर, लाइक उन्होंने एक नॉक निकाला, लाइक सीरियसली उनको फुटस्टेप शायद थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा पुश अगर देखा जाएगा डेडली ड्यूओ की तरफ से। सिक्स वाली जो टीम है, 6 नंबर वाली टीम काफ़ी अच्छा एक किल निकाल चुकी है अपने नाम में, और उनके सामने ऑलरेडी एक क्रेट पड़ी हुई है ताकि लूट सके वो, तो लूट की तो यहाँ पे किसी के पास कमी नहीं लग रही पूरे गेम में। देखा जाए तो काफी अग्रेसिव पुश था, शायद उन्हें फुटस्टेप आए नहीं थे, वो जो बंदे थे वो होल्ड किया था उन्होंने क्योंकि वो अकेले बंदे थे,
तो होल्ड करना ही चाहिए था। और फिर जो भी वो खुश है वो रूम में, वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था उनके लिए। और स्प्रे, उस सामने वाले स्प्रे की वजह से उन्होंने बैडली डैमेज भी छोड़ा था वो बंदे को। उसके वजह से फिर जो दूसरे बंदे थे उनके टीम के, उन्होंने आराम से फिनिश कर दिया। और ये ऑफ चलाते हुए नानजी भाई ने एक नॉक निकाल लिया है, पीएचपी नानजी भाई ने, देखते हैं उसको फिनिश कर पाते हैं या नहीं। और ये फाइट कैसे चलती है देखते हैं टीम नंबर 7 की। और ये हम सेशन में बात की थी नानजी भाई की, और पीएचपी नानजी भाई नॉक हो चुके हैं और रेक्स के आशु उनके सामने लाइक पंचीज मार रहे थे, उनकी हार्डली 1 HP थी। और ये टीम नंबर 7 ने और एक प्लेयर को बाहर कर दिया है, और एक टीम को यहाँ गेम से बाहर कर दिया है। और अगर हम तोतला सेट की हेल्थ देखेंगे तो 1 HP थे, और यहाँ पे थर्ड पार्टी होते हुए रेक्स के पीजीपी ने थर्ड पार्टी से जो नानजी भाई नॉक पड़े थे उनका किल ले लिया, चुरा लिया है। काफी अच्छा गेम प्ले चलता हुआ। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो गॉड लेवल गेमर है ये पीएचपी प्रफुल पाली सीनियर मोस्ट बैच के। और अगर हम जोन रोटेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे थोड़ा नॉर्दर्न साइड जोन ने शिफ्ट ले लिया, लाइक टोटली लैंड पे आ चुका है। और एक काफ़ी अच्छा रोट, जो भी सदर्न साइड की टीम से जैसे टीम नंबर 1, टीम नंबर 2, उनको काफ़ी रोटेट मारना पड़ेगा। और अगर वो ऊपर नॉर्दर्न साइड से रोटेट मारे तो उनके लिए काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई टीम्स नहीं होगी जो गेट कीप कर रही होगी। लाइक जोन पूरा अपोजिट बन चुका है, देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा देखने के लिए मैच। और अगर 7-7 फ्रेंकी की हम बात करें तो काफ़ी दूर अकेले बैठ के यहाँ पे पेन मार रहे हैं, लाइक बस स्काउट करना चाहते हैं बंदे कहाँ पे। ये अभी सोलो प्लेयर बाकी है, इनके टीम के 5 किल्स हैं, देखते हैं ये प्लेयर क्या कमाल कर दिखाता है अभी के मैच में। ये एक पटना देखा जाए तो ये प्लेयर बंदा आर्मी है, अगर निकालने जाए तो ये आराम से निकाल सकते हैं। इनके पास एक कार 98 ATX के साथ, तो ये चाटा मारने की जरूर कोशिश करेंगे। और बी और ये रोटेशन मारते हुए टीम नंबर 1 आगे बढ़ते बढ़ रही है, और उनके सामने टीम नंबर 2 भी रोटेशन मार रही है, तो देखते हैं रोटेशन के वक्त फाइट होती है नहीं। टीम नंबर 1 और टीम नंबर 2 जोन के एच पे, और उनके सामने ऑलरेडी एक टीम गेट कीप कर रही है, जैसे कि टीम नंबर 14 की जो आई एम ग्रुप वाली टीम है, और ऑलरेडी शॉट्स उन पर आना चालू हो गए, मल्टीपल फाइट्स होगी। जैसे कि मैंने कहा था अगर वो सदर्न साइड से आएंगे तो उनको गेट करते हुए मिलेंगे पीपल। और उन्होंने काफी बेहतरीन नॉक निकाला है टीम नंबर 1 के ये प्लेयर ने, दूसरा नॉक निकाला है रनिंग गाड़ी में से, काफी बेहतरीन गेम प्ले टीम नंबर 1 के प्लेयर का। और ये आईसी डीजे काफी अच्छा गेम प्ले दिखाते हुए, और ये व्हीकल बस करने की कोशिश, बट लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से शॉट, और ये व्हीकल बस करके टीम नंबर 1 के एक प्लेयर को बाहर कर दिया गया। और 7-7 फ्रेंकी जो काफी दूर बैठे थे उन्होंने कार 90 से शॉट मार के किल कंफर्म कर लिया है टीम नंबर 1 के प्लेयर का। अच्छा किल चोरी, काफी अच्छा गेम प्ले 30% फ्रेंकी का, उन्होंने देखा वो उधर फाइट चल रही है और उन्हें जैसे ही मौका मिला वैसे ही किल चुरा लिया है, और उनके यहाँ पे किल पॉइंट ऐड हो गया, और उसके साथ ही उनका एक जो पोजीशन पॉइंट है वो भी आगे बढ़ गया है। अगर हमें बात करें तो यहाँ पे पीएचपी टोटला सेट ब्लाइंड पुश कर रहे थे आई गेस, पता नहीं उनको यहाँ पे प्लेयर थे कि नहीं, बट उन्होंने शॉट्स देखते ही अपनी गाड़ी साइड में ले ली, थोड़ी बगी जो थी वो अभी दूर जा चुके मैप के थोड़ा दूर, देखते हैं कहीं पे भिड़न होती है क्या उनके साथ। और ये जयवंत वाडेकर ने एक अशोक किंग का नॉक निकालते हुए, बहुत बढ़िया नॉक निकालते हुए पीएचपी टोटला सेट ने 7-7 फ्रेंकी को बाहर कर दिया है गेम के बाहर। काफी अच्छा गेम प्ले पीएचपी टोटला सेट क्या मतलब क्या गॉड लेवल प्लेयर मुझे लग रहे हैं पबजी के, शायद ऐसा लग रहा है कि ये टूर्नामेंट निकाल के जाए। ऑल द बेस्ट फॉर द दिस प्लेयर्स, देखते हैं आगे का मैच कैसा निकालते हैं ये पीएचपी टोटला सेट। इनके भी टीम्स के 5 किल हो चुके हैं ऑलरेडी, और इनके पास अगर गन्स देखे जाए तो एक ग्रोजा दिख रही है मुझे, और सेकेंडरी गन आई गेस ओगे आई डोंट नो, बट काफी अच्छा गेम प्ले चल रहा है। ये जो टीम है ट्रॉक लूटते हैं, अग्रेशन दिखा के पुश करते हैं, किल्स निकालते हैं, और उसके ऊपर वो लोग लास्ट जोन तक सर्वाइव भी करते हैं। तो ये जो टीम है वो गॉड लेवल टीम है, मतलब काफी अच्छी। एयरफोन्स आ, और अगर हम दूसरी टीम की तरफ चले लाइक
आई एम ग्रूट, उनके टीम किल्स 6 हो चुके हैं, ये भी काफी अच्छा बेहतरीन गेम प्ले दिखा रही है टीम। क्या मजा कर रहा है। और अगर देखा जाएगा तो ये टीम नंबर 14 टीम नंबर 20 के सीधा सामने जा रहे थे, मुंह पे जा रहे थे, उन्होंने एक अच्छा खासा टीम नंबर 20 ने वो वॉच टावर होल्ड कर रखा है और ये आई एम ग्रूट को ऑलमोस्ट 1 HP या 5 HP पे छोड़ दिया और ये आरपी जो REX GP है उन्होंने टीम नंबर 14 को बाहर निकाल दिया आई एम ग्रूट और जयवंत वाडेकर को। टीम नंबर 6 यहाँ पे आई गेस कुछ नेटवर्क इशू की वजह से प्रणय हमारे साथ डिसकनेक्ट हो गए तो मैं ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। और यहाँ पे अभी 3 टीम बची है जहाँ पे 5 प्लेयर्स बाकी है, जहाँ पे टीम नंबर 6 और 7 PHP जो तोतला सेट है उनके सामने आ चुके थे टीम नंबर 6 के प्लेयर्स और उन्होंने शॉर्ट सेलर काफी लो किया है टीम नंबर 6 के विली को। देखते हैं कि टीम नंबर 20 काफी लेट रोटेशन मार रही है जो RX JPG की टीम है, देखते हैं टीम नंबर 7 के तोतला सेट यहाँ पे फाइट्स कैसे निकाल पाते। हेलो, देखते हैं कि आगे का मैच कैसे चलता है। यहाँ पे नेड तोतला सेट के हाथ में दिख रहा है कि शायद नेड पुल करके एक नॉक निकालना चाहे, अपने लिए ओपनिंग निकालना चाहेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा एंगल डिफरेंट करते हुए और टीम नंबर 20 उनके पीछे आ चुकी है। लाइक अगर वो देखा जाए, अगर उनको कुछ साउंड क्यूज आए तो बहुत बढ़िया, ना तो टीम नंबर 7 के जो तोतला सेट है उनको बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर हम देखा जाए तो टीम नंबर 20 जस्ट टीम नंबर 7 के पीछे, अगर देखते कि तोतला सेट कैसे निकालते हैं, उनको साउंड क्लूज आ गए, उनके सामने ही बंदा है और उन्होंने बहुत अच्छा एक नॉक निकाल चुके टीम नंबर 20 के लिए। रैक्स के जो प्लेयर थे उनका एक अच्छा खासा एक नॉक निकाल लिया है, देखते हैं आगे का कैसा क्या होता है। और जाएंगे अपना किल सिक्योर करने के लिए, उनको पता होगा दूसरा प्लेयर किधर है और उनके सामने ही प्लेयर था, काफी अच्छा रिफ्लेक्स, देखते हैं नॉक कैसे निकाल पाते कि नहीं। और ये PHP तोतला सेट गेम के बाहर होते हुए काफी बेहतरीन कोशिश की थी उन्होंने कि अपना एक टीममेट को निकाल ले, लेकिन वो बाहर हो चुके। और यहाँ पे 2 टीम बाकी है जहाँ पे 3 लोग अलाइव है, टीम नंबर 6 एक जो डियो बाकी है, देखते हैं कि ये डियो क्या कमाल कर दिखाते हैं, क्या है चिकन डिनर। रेक्स PGP अपने नाम निकाल सकते है, सीनियर मोस्ट बैच के प्लेयर है रेक्स PGP, प्रफुल पाली गॉड लेवल गेम प्ले, आज तक हर टूर्नामेंट जीते है कॉलेज के, आज देखते है वो क्या कर पाते है। उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा सीनियर होने का और उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने टीम की। रेस एस्कोनॉर को रिवाइव नहीं दे पाए वो, अब देखते हैं क्या करते हैं, अब वो जा रहे हैं टीम की तरफ। अगर हम देखा जाएंगे तो उनके पास लेवल 3 की हेलमेट और बैकपैक पड़ी है, 3 मेडिकिट्स उनके पास ऑलरेडी और एक डेडली गन है जो AKM और M4 का कॉम्बिनेशन है, लाइक मेरा तो फेवरेट कॉम्बिनेशन है ये। देखते हैं कि फाइनल फाइट कैसे निकालते अपने लिए और दोनों टीम एज जोन के एज पे, उनको शायद आइडिया तो होगा कि प्लेयर्स कहाँ पे है, देखते हैं कि अच्छे से उनको एक प्लेयर स्पॉट हो चुका है ऑलरेडी 6 जो टीम नंबर 6 के विली है, बट उनको एक प्लेयर का अंदाजा नहीं होगा जो राइट साइड है उनके। देखते हैं कि गेम कैसा निकाल पाते हैं रेक्स के PGP। और अगर विली हम उनको देखें तो उन्होंने शायद ही प्लेयर को अभी उन्होंने पक्का स्पॉट कर लिया रहेगा कि यहाँ पे प्लेयर है, उनके सामने से फायरिंग शायद ट्रेजेक्टरी गिरेगी और एक नेड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नॉक निकाल सके। और अगर जस्ट DGL JDL को देखेंगे तो यह भी एक पत्थर के पीछे अच्छा खासा पोजीशन लेके बैठ चुके हैं ताकि उनको अगर कोई प्लेयर सामने आते हुए दिखे, रश मारते हुए दिखे तो किल्स ले सके इजीली। और देख सकते हैं यहाँ पे रेक्स के PGP बहुत ही आराम से इस फाइट को ले रहे हैं, ओवर कमिट नहीं करना चाहते हैं, दिख रहा है कि 2 बंदे हैं, एक को अगर नॉक किया तो गेम सीधे 1v1 पे आ जाएगा, वो आराम से इसको गेम को डिले करने की ट्राई कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको दोनों प्लेयर्स की पोजीशन मालूम पड़ जाए फिर ही वो कमिट करेंगे। देखते हैं कि आगे का मैच कैसा चलता है, कैसे निकलते है, कैसा है REX PGP अपने लिए गेम निकाल पाते हैं कि नहीं। और ये दोनों टीम के प्लेयर्स चाहेंगे कि अपने लिए चिकन डिनर निकाल पाए, पर आप सामने के दो प्लेयर्स हैं उनके भी अच्छे खासे 1 kill के साथ में उन्होंने मस्त स्लो गेम प्ले दिखाते हुए आए हैं, वो आराम से इस
मैच को जीतने के चांसेस में है। 2v1 हमको मालूम है कि प्लेयर एडवांटेज बहुत हेल्प करता है हर टूर्नामेंट्स में। देखते हैं कि ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा। जैसे कि देखा जाए तो 6 नंबर की जो टीम के विली है उनको 1 मीटर जोन में जाना, लाइक उनके जस्ट आगे ही जोन है। देखते हैं, इन्होंने काफी अच्छा नेट पुल किया लेकिन बाउंस बैक हो गया आई गेस। नहीं, और ये आरपीएक्स ने काफी अच्छी स्पॉटिंग है, उन्होंने प्लेयर को ऑलमोस्ट आधा डैमेज कर चुके, 50 HP पे लाके छोड़ा है और उनको दिख रहा होगा एक प्लेयर पत्थर के पीछे है। इनके पास 3 एनर्जी ड्रिंक्स लग रहे हैं, अच्छा खासा नेट था, इनकी भी 50% हो चुकी है, इन्होंने भी एक नेड पुल किया। क्या ये नेड कनेक्ट हो सकता है, मिलियन नेड हो सकता है क्या? ये उनके टीम के लिए काफ़ी अच्छा, अगर नेड कनेक्ट हुआ तो उनकी टीम काफ़ी अच्छा बूस्टअप हो सकती है। और काफ़ी अच्छा उन्होंने मॉली और इसका इस्तेमाल किया, उनकी हेल्थ कम हुई है। आए और पुश, ब्लाइंड पुश डाल दिया था टीम नंबर 6 ने, और उसी के साथ एनर्जी का आई थिंक उन्होंने पॉपअप करते हुए साउंड सेंस ले लिया था, उसी के कारण टीम नंबर 6 ने पुश किया और आरएक्स पीजीपी की जो टीम थी उनको बाहर मार गिरा। काफ़ी अच्छा होल्ड गेम प्ले था टीम नंबर 6 जो प्लेयर से विली और जस्ट JDL की तरफ से, जिनके 2 kills है बट उन्होंने चिकन डिनर ज़रूर निकाला है। काफ़ी बेहतरीन गेम प्ले। तो अगर हम किल्स की बात की जाए तो RPX GPG के 7 kills है जिनमें से PGP ने 5 kills लिए। काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे गेम से दिखा रहे सारे प्लेयर, फाइनल्स के लाइक जीतने की इसके लिए काफ़ी मेहनत की है लग रहा है मुझे इन प्लेयर्स ने। और अगर हम जयवंत वाडेकर उनकी टीम की बात करेंगे तो उनके भी टीम के 6 kills है, जहाँ पे IAM Groot जो प्लेयर थे काफ़ी अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया उन्होंने भी इस मैच में। और हम अगर जो अर्ली एग्जिट टीम्स लिए उनकी बात करें तो उनके लिए थोड़ी मुश्किलें हो जाएंगी अगले मैच के लिए, उनको काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा अगर ये टूर्नामेंट जीतना है तो उनको। जैसे अगर बात की जाए वंडर वुमन टीम नंबर 19 की तो उनके 0 kills है, टीम नंबर 21 की बात की जाए तो उनके 0 kills है। और अगर हम ऊपर आए तो सॉरी थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है, हम अपने जो दूसरे साथी है प्रणय उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक हम आपसे मिलते हैं थोड़े देर बाद, सेम और एक मैच है, कहीं जाइएगा मत, फाइनल मैच होगा ये टूर्नामेंट का, और देखती है कौन सी टीम निकाल पाती है चिकन डिनर विनर और ये जीतती है ये टूर्नामेंट। तो आपसे मिलते हैं 2 मिनट बाद। हाँ प्रणय, आपका आवाज आ रहा है और स्ट्रीम पे भी जा रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए म्यूट हो जाओ, हम थोड़ी देर बाद आपसे कनेक्ट होंगे।
Thank you.
हेलो प्रणय, हेलो। आपने लास्ट में जरूर देखा होगा कुछ टेक्निकल वजह से आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा, काफी अच्छा मैच था, काफी अच्छा मैंने देखा जरूर लाइव पे, और काफी अच्छा जो चिकन डिनर था। मैं देखा जाए तो मुझे लगता है कि रेक्स पीजीपी का काफी अच्छा गेम प्ले, मतलब उन्होंने किए थे नानजी भाई को पहले फिनिश करके थे, जो आगे बड़े और तो होल्ड किया था दो ही रन के वटेंस, काफ़ी अच्छा होल्ड किया था। जो थ्रोएबल का इस्तेमाल कर रहे थे वो मॉली हो गया, फिर नेट हो गया, उनको पता है कि उनको टूर्नामेंट में लूट कैसे रखनी है, और उनको जो सेंस है गेम को काफ़ी अच्छा था। बट अनफॉर्चुनेटली जो वो लोग उन्होंने जो ड्रिंक ऑपरेट किया था, जो साउंड गया था सामने वाले बंदे को, आई गेस जेडीएल थे, उनको जो साउंड गया था उन उसकी वजह से वो फिनिश हो चुके थे, और चिकन डिनर जो था वो सिक्स नंबर टीम क्रॉस चला गया था। उनका भी काफ़ी अच्छा गेम प्ले, रोल के साथ वो लोग खेले, और एक दो पीस के साथ उन्होंने जो चिकन डिनर निकाला है, चिकन डिनर के जो पॉइंट थे वो काफ़ी अच्छे ऐड होंगे। और देखने में तो मैंने एक बार और नोटिस की, जो ट्रिपल सेवन फ्रैंकी थी वो अभी भी के सबसे ज़्यादा हाई स्किल्स के थे, मतलब जो डोमिनेशन के थे वो ट्रिपल सेवन फ्रैंकी के साथ खेल से काफ़ी अच्छा गेम प्ले खेलते ट्रिपल सेवन फ्रैंकी। हालांकि दो मैच से चिकन नहीं निकाल पा रही है उनकी टीम, थोड़ा रोटेशंस में प्रॉब्लम हो जाता है उनको, लेकिन अगर सोलो प्लेयर उनका देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन गेम प्ले से निकाल जाती है वो टीम, किल्स के मामले में वो हमेशा आगे रहना चाहती है। और दूसरी टीम जो है, जो PHP जो बाबूरा और तोतला सेट है, मतलब तोतला ये जो नानजीबाई और तोतला सेट है, वो काफ़ी अच्छा खेल लेते हैं। लाइक उन लोग ड्रॉप्स लुटना चाहते हैं एग्रेसिव, लाइक अगर बंदे उनको दिख रहे तो सामने वो दे आर एंगेजिंग फाइट, लाइक उनको एंगेज करना ही है, उनको पता है कि उनकी फाइट्स कैसे निकालने आती है उनको। वही जैसी बात है, और रेक्स पीजीपी ये जो टीम उनके भी तारीफ करने लगी, क्योंकि उनके भी जो प्लेयर्स थे वो 5 और शायद 6-7 प्लेयर्स थे उनके, राइट 7 के अच्छा खेल रहे थे वो लोग। और लास्ट कल की जो बात है, उन्होंने शायद स्कैंडलर भी निकाला था, तो रेक्स पीजीपी जो थे वो जो हमारे को होस्ट थे उन्होंने बताया कि सीनियर प्लेयर है और उन्हें काफ़ी टूर्नामेंट एक्सपीरियंस है, काफ़ी टूर्नामेंट जीते भी है, तो उनके जो गेम प्ले उनसे दिखता है कि उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, और जो प्लेयर है वो काफ़ी कोर प्लेयर है। और हम अगर आपको वापस याद दिला दें तो ये अभी ये जो टूर्नामेंट है उसका फाइनल मैच होने वाला है, जो भी टीम यहाँ पे डोमिनेटिंग और जो भी जो टॉप में रहेगी वो यहाँ पे टूर्नामेंट जीत के चले जाएगी। निर्विघ्नम गणेश उत्सव 2020 ये टूर्नामेंट का नाम है, कॉलेज का टूर्नामेंट है, ये डुओ टूर्नामेंट है, और काफ़ी 3 दिन से चलता आ रहा है टूर्नामेंट, और ये 3 दिन की मेहनत, आज जो भी टीम जो जीतेगी उनके नाम होगी ये टूर्नामेंट जीतने का टाइटल। वो क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? अभी ये मैच के बाद स्कोर बोर्ड तो हमारे पास आए नहीं है, लेकिन अगर हम कोई भी अगर गेम प्ले की बात की जाए तो नानजी भाई PHP की जो टीम है उनका गेम प्ले मुझे बहुत अच्छा लगता है। वॉल्वरिन जो टीम नंबर हमेशा 3 पे जो रहती है उनका गेम प्ले हमें बहुत अच्छा लगता है। देखा जाएगा तो सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे खेल रहे हैं यहाँ पे जीतने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं रोटेशंस में या थर्ड पार्टी में उनको उसका कीमत चुकाना पड़ता है, लाइक नॉकआउट या नॉक फिनिश हो जाते हैं पूरे लीग, लेकिन काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं टीम्स। मुझे चार टीम चार 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 जो टीम है, ट्रिपल सेवन फ्रैंकी वाली टीम है, PHP वाली टीम, एक रेक्स वाली टीम, और एक है जो आपने बताया दूसरी टीम नंबर 3, मुझे इन चारों के बीच में जो कड़ा मुकाबला है वो देखना है, और इन चारों के बीच में जो भी निकालेगा वो
और जो टीम नंबर वन के जो हार्मोनिक रेंजर थे लास्ट मैच में उन्होंने दो नॉक्स रनिंग गाड़ी में निकाले, लाइक उनके पास काफ़ी अच्छा गेम प्ले उनका, उन्होंने कितना ग्राइंड किया रहेगा आई कैन नॉट इमेजिन, लाइक उन्होंने रनिंग गाड़ी में दो नॉक निकाले थे, क्या कहना है उसके बारे में आपका? वो जो दोनों स्प्रे थे वो काफ़ी बेहतरीन स्प्रे किए थे जो टीम नंबर वन के आए थे, मुझे नाम याद नहीं है, बट टीम नंबर वन के जो प्लेयर्स थे वो भी लास्ट कल भी वो काफ़ी अच्छा खेल रहे थे और टॉप टेन में आए थे, उन्होंने फिनिश किया है, उनके भी जो पॉइंट्स रहे पॉइंट्स भी ज़्यादा है, किल पॉइंट्स भी ज़्यादा है और ज़्यादा मतलब दो किल्स थे आई गेस उनके, उन्होंने भी काफ़ी टीम फाइट की है, देखते हैं उनका आगे का गेम प्ले कैसा होगा। जी हाँ, देखने लायक तो होगा। और गेम अगर हम मैच की बात स्टार्ट करें तो शायद 3:30 या 3:35 तक हमारा मैच स्टार्ट हो जाना चाहिए, लाइक प्लेयर्स ज्वाइन हो रहे, प्लेयर्स को थोड़ा ब्रेक दिया गया है एक मैच के बाद, क्योंकि ये फाइनल मैच है तो सारे प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर बना हुआ रहेगा कि टूर्नामेंट जीतने के लिए क्या कर सकते हैं, लाइक जो टीम्स आगे पीछे पॉइंट्स टेबल्स में रहेगी उनके लिए ज़्यादा टेंशन है कि हमें वो टीम को पीछे डालना है। हमने और एक प्लेयर को जो नोटिस किया था आइटिस वेद, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा नॉक निकाला, आइटिस वेद और डेथ कॉल, ये जो टीम थी टीम नंबर 10 वो भी काफ़ी अच्छा खेल रही थी, और 7 तो वाडेकर के नाम देना मैं जरूर चाहूँगा, उनके भी किल पॉइंट ज़्यादा थे ये वाले मैच में, उन्होंने फोर्थ पोजिशन पर उनका बेसमेंट पॉइंट था और देखा जाए तो उन्होंने भी काफ़ी किल्स निकाले थे, उनके भी किल्स किल्स थे, तो जगन पाड़ेकर का भी मुझे नाम लेना पड़ेगा, काफ़ी तारीफ करने वाला गेम प्ले होगा। प्रणय, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है डिस्कॉर्ड पे? हाँ, दिख रही है। तो आप ध्यान दीजिए, टीम नंबर जो 19 थी उन्होंने कल चिकन डिनर निकाला था, देखते हैं कि आज के मैच में क्या कर पाते, क्या कमाल कर दिखाते, क्या इनके नाम हो सकता है टूर्नामेंट का जो टाइटल है। जरूर देखा जाएगा कि कौन ये टूर्नामेंट का टाइटल जो है वो चैंपियनशिप जीतता है, और जो देखा जाए बाकी जो टीम्स है PHP टुटला से और 95 को तारीफ करते हैं हम खत्म नहीं कर पा रहे लाइक इनके हमें इनके नाम से ही बहुत, जब कल हम पहली जो स्ट्रीम स्टार्ट कर रहे थे इनके नाम से ही हमें बहुत पसंद आ गए थे दोनों प्लेयर, और काफी अच्छा इंटेंस गेम प्ले भी दिखाते हैं वो, और इनका जो गेम प्ले था वो बीच में आपने जैसे बताया कि ड्रॉप उन्होंने मंगाया था और वो नाच रहे थे, तो एक गूफी और मतलब जो गेम प्ले का जो चैंपियनशिप का जो प्रेशर रहता है वो थोड़ा सा रिलीज करने के लिए थोड़ा जो सीरियसनेस कम करते हैं ताकि सामने वाले जो टीममेट है उनको भी थोड़ा कम प्रेशर फील हो, तो वो भी एक अच्छा जेस्चर लगा उनकी तरफ से। जी हाँ, और यहाँ पे जो टीम नंबर 14 है, जैसे कि आपने बात किया था जयवंत वाडेकर आई एम ग्रुट की टीम, ये डीओ भी काफ़ी डेडली डीओ निकल के आता है अगर इनका कॉम्बिनेशन सही बैठता है तो, और हमने देखा है जो टीम नंबर 3 है अब हमेशा पोचिंग की साइड उतरती है, और यहाँ पे क्या फाइनल्स में देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है उनके लिए। जरूर देखा जाएगा, ये जो जयवंत वाडेकर आपने जो नाम लिया उनकी भी काफ़ी किल्स है और वो भी काफ़ी अच्छे प्लेयर है, और उन्होंने जो भी ड्रिल्स किए रहेंगे जो उनके जो स्प्रेज है वो काफ़ी अच्छे हैं, और सबसे अच्छा स्प्रे मैं 100% थैंक यू को बताना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमें आज ऐसा आपने देखा कि एक सिंगल डोर के बैग से उन्होंने एक नॉक निकाला रहा है टीम नंबर 3 का, वुल्वरिन की जो टीम थी उन्होंने उनको कोचिंग की सेरेमनी करके कोचिंग के ऊपर कॉलर कॉम्पेयर किया था, तो देखते हैं आगे कैसे बढ़ते हैं। हाँ जी हाँ, इस बार तो देखते हैं कि रोटेशंस कैसे लेते हैं पब्लिक और क्या करती है, और हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को इस बार कवर कर सके कि उनके लूट्स क्या है, उनकी यूटिलिटीज़ क्या है। जरूर जरूर जरूर, बट अभी देखा जाए तो जो अर्ली फाइट्स है वो काफ़ी कम होती है, और अगर अर्ली फाइट्स एंगेज हुई तो वो डायरेक्ट फिनिश में हो जाती है, लाइक जो प्लेयर्स है वो सीधा टीम से एलिमिनेट हो जाती है, तो हमें भी चांस नहीं मिलता उसके तक पहुँचने का, तो तब तक जो टीम से रहते वाइप हो जाती है, इससे आपको पता चलता है कि काफ़ी अच्छा गेम प्ले चल रहा है लोगों का, और काफ़ी अच्छा जो इन्होंने जो स्ट्रेटेजी जो सब हर टीम की है वो काफ़ी अच्छी।
जी हाँ जरूर, अब थोड़े ही देर में हमारा मैच स्टार्ट हो जाएगा, तो हम आपसे मिलते हैं मैच स्टार्ट होते ही। लाइक आप कहीं जाइएगा मत, बस 3-4 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 प्लेयर बाकी रह के कनेक्ट करना, वैसे ही जैसे ही कनेक्ट रहेंगे वैसे ही अब मैच स्टार्ट कर देंगे। जरूर जरूर, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, और टीम नंबर 6 जो लास्ट मैच में सेकंड रन लिया था उनका भी परफॉर्मेंस देखना है। उन्होंने काफी अच्छा गोल प्ले किया था, पोजीशन पॉइंट के ऊपर लोग गए थे, ज्यादा रश की टीम प्ले नहीं, और पोजीशन पॉइंट पे जो कामयाबी हो रही सेकंड रन निकाल पाए, देखते हैं उनका आगे स्ट्रेटजी यही रहती है या फिर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ जरूर, तो अभी यहाँ पे प्लेयर्स कनेक्ट हो रहे, हम जैसे ही सारे प्लेयर्स कनेक्ट होकर मैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। और आपको अगर हमारी ये कास्टिंग कमेंट्री या कुछ भी ये कुछ भी अगर कुछ गलत चीज़ हो रही है, लाइक क्वालिटी डाउन है या ऑडियो क्वालिटी मिसिंग है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये इशू है। और इसी के साथ देखते देखते हमारा मैच स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे पबजी मोबाइल का, जो कि निर्विघ्न गणेश उत्सव 2020 का फाइनल से यहाँ पे डेट भी चालू है, फाइनल मैच है। देखते हैं कि ये मैच कौन चिकन डिनर निकाल जाता है और किसके नाम होता है ये टूर्नामेंट। और इसी के साथ एक बार गणपति बप्पा मोरिया इन द चैट होना चाहिए, क्योंकि ये टूर्नामेंट का नाम ही है निर्विघ्न गणेश उत्सव 2020। तो एक बार जरूर गणपति बप्पा मोरिया सब लिखो चैट में, मोरिया काफी अच्छा जो स्टार्ट होने वाला है ये टूर्नामेंट जो फाइनल मैच है। देखते हैं फाइनल मैच में कौन बाजी मारता है, कौन ये टूर्नामेंट जीतता है, और सबके सब प्लेयर्स के ऊपर काफी प्रेशर होगा, स्पेशली जो देखा जाए रेक्स पीजीपी और बुल्गरीन वाली टीम, और या फिर ट्रिपल सेवन फ्रेंकी हो गई, और पीएचपी जो टीम है उनके ऊपर काफी प्रेशर होगा, जो उन्हें चिकन डिनर निकालना है, जो ट्रिपल सेवन फ्रेंकी को नहीं मिल पाया अब तक। हालांकि उनको वो हमेशा डोमिनेशन कर रहे थे, बट उन्हें कभी चिकन डिनर नहीं मिला है। देखते ये वाली मैच चिकन डिनर निकाल पाते हैं। जी हाँ ज़रूर। और अगर हम ट्रेजेक्ट्री की बात करें तो यहाँ पे प्लेन ट्रेजेक्ट्री आपको देखो दिख रही है, हॉस्पिटल साइड, रूइन साइड, रोजॉक के एग्जैक्ट और यासना बोले ना कि ऊपर से। तो यहाँ पे टीम्स को जो अपनी लोकेशन थी, लाइक टीम नंबर 7 पीएचपी की जो नानजी भाई की टीम थी, हमेशा नोअर अपनो या मिलिट्री बेस के साइड जाती थी, तो उनको काफ़ी तकलीफ होने वाली है रोटेशन मारने के लिए अगर वो अपने लोकेशन पर जाती है। तो धीरे धीरे टीम्स उतरना चालू करेंगी अपने जगह पर, देखते हैं कि कहाँ पर कैसी टीम्स क्या उतरती है और कैसे परफॉर्मेंस निकाल लेती है अपना। अगर हम आपका अगर ये मैच में जोन प्रेडिक्शन होगा तो कहाँ बनना चाहिए? मुझे लगता है थोड़ा सदर्न साइड ही जोन बनेगा, और मुझे ये देखना है कि ट्रिपल जो टीम नंबर 3 है वुल्वरीन को जो टीम है वो कोचिंग की करना कंटिन्यू करती है या फिर कोई और जगह ये जाने की कोशिश कर रहे और ये उतर चुकी है टीम, और धीरे धीरे टीम सुधरना चालू कर दिया है। और ये टीम नंबर 15 जो 7-7 फ्रेंकी की टीम है वो रोजॉक साइड उतर रही है, और उनके पीछे हम अगर मैप में देख सकते हैं तो टीम नंबर 21 जो है शायद उनके साथ ही उतरने वाली है। देखते हैं कि यार रोजॉक में कैसी फाइट निकलती है, लोगों को क्या कर सकते हैं। यहाँ पे भी अच्छे खासे डिसेंट कवर्स होते हैं, घर सो सकते हैं, तो लंबी चलेगी ज़रूर फाइट, लेकिन आर्म्स एंड एम्यूनेशन की थोड़ी कमी होती है यहाँ पे। देखते हैं कि टीम्स अपने लिए फाइट्स कैसे निकालती है, क्योंकि ये लास्ट मैच है और ये आखिरी मौका है, इसके बाद ना आपको चांस मिलने वाला है मैच खेलने का और ना लोगों को दिखाने का। तो देखते हैं कि मैच कैसे निकलता है। मुझे पर्सनली देखा जाए तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मैच जब भी करता हूँ मुझे एम्यूनेशन और आर्म्स ही नहीं है, तो रोजॉक में ज्यादा करके अवॉइड ही करता हूँ, बट रोजॉक की जो फाइट होती है वो काफी इंटरेस्टिंग होती थी, तो कम से कम लूट रहते हैं उनके, उसके ऊपर फाइट लेनी पड़ती है और आपको रोजॉक को कॉन्कर करना पड़ता है। अगर हम पोचिंग की बात किया जाए तो इस बार अलग अलग टीम पोचिंग किया है, जैसे कि टीम नंबर 13 हमें मैप पे दिख रही है, 19 और 10 जो टीम है वो दिख रही है, जो डेथ गॉड वाली टीम है वो दिख रही है हमें, तो दोनों के। और यहाँ पे पहला नॉक निकल चुका है रेक्स के खिलाफ, बहुत अच्छा नॉक निकाल चुके हैं ऑलरेडी प्लेयर्स, यहाँ पे फाइट्स की भी शुरू हो चुकी है। देखते हैं कि कैसा उन्होंने शायद नॉक फिनिश कंप्लीट कर लिया, अपना किल सिक्योर कर लिया, तो बेहतरीन गेम प्ले देखते हुए यहाँ पे कामिश की साइड भी दो 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 एक एक ड्यू उतरते हुए दिख रहे हैं, कि देखते हैं अब ये धीरे धीरे मैच कैसे निकलता है आगे का। और ये जो रेक्स के अक्के जो फिनिश हुए थे वो रोजॉक में फिनिश हुए थे किसी एक प्लेयर के द्वारा, देखते हैं कि ये फाइट कैसे निकलती है।
देखा जाए तो मेरा जोन प्रेडिक्शन था वो काफी गलत नहीं बोल सकते, बट सेंटर ओरिएंटेड जोन बना है यहाँ पे, तो जो जो सेकंड आइलैंड है उसका थोड़ा सा हिस्सा लेते हुए कोचिंग की और जॉर्जो पुल और काफी एरिया का बट का ये एरिया कवर करते हुए जो जोन बना है तो सेंटर ओरिएंटेड जोन है। और देखते ट्रिपल रैंक को हम देख सकते स्क्रीन पे, ये उन्हें स्पॉट हो चुके हैं शायद बंदे टीम नंबर फोर के, और ये आगे किल सिक्योर करने के लिए आपको पता ही है अग्रेसिव प्लेयर है। देखते हैं इनके पास लेवल थ्री बैक कोई बैकपैक नहीं है और ना ही वेस्ट और हेलमेट है, तो शायद ये जो फाइट होगी वो इनके खिलाफ जा सकती है। देखते हैं आगे कैसे फाइट होगी। तो इसी के साथ देखते हैं कि ये मैच कैसे हैं, लग कौन यहाँ पे रोजक को ये करता है, डोमिनेट करता है इनके ऊपर। यहाँ पे मॉली तो की जा रही है लेकिन वहाँ पे अंदर कोई प्लेयर मौजूद नहीं है, तो उन्होंने अच्छा खासा यूटिलिस का यूज़ कर रहे हैं ताकि प्लेयर को आधा डैमेज ऑलरेडी दे सके। देखते हैं कि आगे कैसे निकालते हैं। और यहाँ पे बहुत बढ़िया सेवन फ्रेंकी के जो टीम नंबर 15 थे उनका डैडी ने काफी अच्छा नॉक निकाला, पीछे से 7-7 फ्रेंकी आ रहे जरूर है, लेकिन क्या वो अपने टीममेट्स को बचा पाएंगे? इंस्टेंट जो फिनिश कर चुके हैं जो ट्रिपल 15 नंबर के पास फ्रेंकी जो टीम का मेंबर है इंस्टेंट नहीं कुछ कर, और देखा जाए तो इनके ग्रुप भी अच्छे हैं, M24 और M4 की जो एक लोड आउट है वो रखा है, बट इनके पास एक हेलमेट नहीं है, तो ये जो और ये दो भी एग्रेशन दिखाते हुए मुझे लगा था ये बैकआउट करेंगे, बट एग्रेशन अभी भी बरकरार आ रहा है टीम नंबर 4 के ऊपर। ये लोग जो यहाँ पे डीडीसी डैडी जो है उनकी हेल्थ ऑलमोस्ट 40% है, यहाँ पे जरूर उन्होंने बूस्टर्स लगा दिया जो धीरे धीरे उनके हील अप कर लेंगे, लेकिन उनके पास बैंडेजेस और फर्स्ट एड बहुत कम है, तो देखते हैं यहाँ पे डैडी कैसे फाइट निकालते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा बेहतरीन यहाँ पे एक टीम नंबर 15 के प्लेयर को नॉक फिनिश डाल चुके, तो धीरे धीरे और इनके ऊपर शॉट्स लिए गए द्वारा फ्रेंकी के द्वारा शॉट्स लिए गए, देखते हैं कि ये कैसे कर पाते हैं आगे का काम कमाल। और देखते रेक्स जो भी रजक है 21 नंबर की टीम है वो भी आसपास की है, तो थर्ड पार्टी के आसपास का जरूर है ये टीम, और ये कोचिंग टीम में टीम नंबर 19 और टीम नंबर 10 सामने सामने आ चुके हैं, और डेथकोड आईटिस लीड आपने भी देखा था ये काफी अच्छे प्लेयर है, तो टीम नंबर 19 के साथ इन्होंने जो टीम लास्ट कल के मैच में सेकंड ने लिया था टीम नंबर 19 ने, अगर हम बात करें तो आप गन साउंड हमें कुछ सुनाई दे रही है, शायद टीम नंबर 13 और 19 के बीच में भिड़न होने वाली है बहुत जल्द, और टीम नंबर 10 भी काफी करीब है, तो देखते हैं कि क्या ये नेड हो सकता है, डेडली नेड लाइक एक नॉक इजीली निकल सकता है अगर सही जगह पे जाके गिरेगा तो। और ये बहुत बेहतरीन नेक टॉक्सिक तशु का लाइक व्हाट अ नेड, उन्होंने प्रॉपरली कुक करके डाला और फटाक से पुश करना चाहेंगे और लाइक अच्छा खासा 1 HP छोड़ दिया प्लेयर को, देखते हैं आगे की फाइट कैसे निकल पाते। और ये टीम नंबर 13 का काफी बेहतरीन गेम प्ले, उन्होंने टीम नंबर 10 के जो आइटम थे उनको बाहर फेंक दिया, और हमने जैसे की बात की थी कि थर्ड पार्टी जरूर होगी, तो टीम नंबर 19 के प्लेयर यहाँ पे थर्ड पार्टी जो किल उन्होंने नॉक जो प्लेयर ने नॉक करके छोड़ा है वो एक्वायर करना जरूर चाहेगी, और उनका एक अंधा पुश आते हुए TH10 का और उनको इंस्टेंटली नॉक एंड फिनिश डाल दिया। अभी देखते हैं टीम नंबर 19 के जो एक प्लेयर बाकी है कैसे निकालते हैं आगे की मैच। और ये काफी गलत पुश था, ब्लाइंड पुश कभी नहीं करना चाहिए, लाइक वो टीपी भी लेके बैठे ही थे और ये काफी जायज भी मूव है टीपी भी लेके बैठना, ये सिचुएशन क्योंकि आपका एक प्लेयर नॉक है और उनको बचाना आपका टारगेट है। और यहाँ पे ऑल पे काफी गलत बातें होती जा रही है भाई, और टीम नंबर 13 को बाहर कर दिया गया है यहाँ से। 13-19 को काफी अच्छी तरीके से निकालते हुए और कैंपर जो टॉक्सिक जा रही थी भाई, आपने गलत पुश किया भाई, कोई बात नहीं, उन्होंने काफी अच्छी कोशिश की। यहाँ पे टीम नंबर 1 के जो प्लेयर थे वो वुल्वरिन को नॉक कर चुके हैं, और आई गेस वुल्वरिन की टीम वापस गेम के बाहर हो चुकी है, हमें देखना जरूर चाहिए। ये वुल्वरिन की जो टीम नंबर 3 थी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, कल भी उन्होंने एक सेकंड लेवल निकाला था, बट ये जो लास्ट मैच में और ये जो खेलते हुए टीम नंबर 1 के द्वारा और टीम नंबर 1 ने जो ये वाइप किया है वो काफी मुश्किल में पड़ा था, पॉइंट टेबल में काफी बड़ा फर्क लाएगा,
और टीम नंबर जो 3 थी वुल्वरीन और योरसेल्फ वाली वो अभी एलिमिनेट होते हुए और ये जो है वो बड़े वाले वेयरहाउस में फाइट होते हुए जो मैंशन जो मैंशन के वहाँ यहाँ जो एक बड़ा वाला वेयरहाउस होता है काफ़ी अच्छी लूट में किए हैं बट जो पुश जो किया होगा टीम नंबर 1 ने वो काफ़ी उन्होंने काफी अच्छा गेम सेंस लगाया यहाँ पे और उसी के साथ उन्होंने अपने प्लेयर को भी बचाया प्लस दो स्क्वाड यहाँ पे वाइप कर चुके हैं ऑलरेडी काफी अच्छी बात है लाइक जो टॉक्सिक पुश ने जो टीम पे दिखाया भले उसको उनको जो टीम नंबर 19 की थी वो गाली पड़ी बट उनका गेम प्ले फेयर था ये सिचुएशन में टीपी भी लेना ही जो राइट मूवमेंट होगा क्योंकि आप ब्लाइंड पुश भी नहीं कर सकते लाइक थोड़े नेट या थोड़े बहुत यूज करें उसके बाद ही पुश करें अगर हम देखा अगर देखे जाए तो यहाँ पे जॉर्जोपुल साइड वाला एरिया है जहाँ पे पीएचपी के तोतला सेट और जो पीएचपी की टीम है उन्होंने और एक एयर ड्रॉप आई गेस लूट चुके हैं जिनके वजह से उनके पास ग्रोजा दिख रही है हमें बैकपैक में लटकी हुई और लेवल 3 का एक हेलमेट और वैश दिख रहा है तो इनको ये काफ़ी बूस्टअप करता है लाइक फुल गेयर्ड रहते हैं वो हमेशा हर मैच में और लाइक उनको अगर ड्रॉप दिखा ना तो ड्रॉप पे ही जाते हमेशा मैंने तो ये नोटिस किया है हमेशा और फुल ग्रेड हम ताकि वो आगे जाके फाइट ले पाए लास्ट तक बनने और जो आपको भी पता है कि लेवल 3 हेलमेट और लेवल 3 वेश का जो काम आता है लास्ट जोन में तो ये काफ़ी अच्छा ग्राइड हो जाते हैं ये ड्रॉप ग्रुप पे हुए और अग्रेसिव प्ले दिखाते हैं और मुझे लगता है कि पीएचपी की टीम है उनको काफ़ी कंटेनेंस काफ़ी अच्छा लगता है और ये टीम नंबर 8 टीम नंबर 2 के फाजिल से जाते हुए रोटेशन में आते हुए टीम पीएचपी बाबू आई गेस ये पीएचपी 90 और टोटला सेट के ही जो स्क्वाड मेंबर रहेंगे बट ये सोलो खेल रहे हैं और स्पॉट शुरू कर लिया है उनको पता है कि सामने कंपाउंड में टीम एक टीम है और वहां रुक गए हैं देखते हैं आगे की फाइट होती है जी हाँ ज़रूर टीम नंबर 2 को भी पता चल ही गया रहेगा कि यहाँ से बगी ज़रूर गुजरी है वो भी स्काउट करना चाहेंगे और ये आई गेस जोन के अंदर है तो काफ़ी लंबी फाइट चल सकती है लाइक इन लोग ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द जोन है तो काफ़ी लंबी फाइट चल सकती है इनकी अगर हम किसी और टीम के पास चले लाइक टीम नंबर 36 जो स्ट्रेंजर वाली टीम से उनके पास एक VSS दिख रही है हमें हाथ में कुछ अलग लोड आउट लग रहा है इनके हाथ पर इनके सामने एक टीम नंबर जो उनके प्लेयर है और सामने से टीम नंबर 14 जाते हुए हमें दिख रही है इनके पता है कि नहीं हमें नहीं पता लेकिन VSS एक M4 का कॉम्बिनेशन क्या आपको लगता है VSS ये रखेंगे एंड तक इसे मैंने काफी देखा है कि वो लास्ट तक कंफर्म भी रखते हैं तो कल ही हमने देखा था कि एक लास्ट सर्कल वाला लोड आउट था वो कंफर्म का था तो कुछ भरोसा नहीं रहता ये जो प्लेयर्स को कंफर्टेबल लगते हैं वो गन वो लोग रखते हैं आजकल और देखा जाए तो कॉमन गन और ये हमने देख रहे हैं टीम नंबर 6 जो काफी ओल्ड गेम प्ले खेलती है लास्ट जोन तक जाके ही फाइट लेती है अभी वो जोन के बाहर से रोटेशन आ रहे हैं डैमेज ले रहे जरूर जोन का बट फर्स्ट जोन में बाहर आने होगा नहीं और उनके पास यूएस है तो रोटेशन भी आसानी से मार पाएंगे जी हाँ ज़रूर जोन का डैमेज तो सेकेंड या थर्ड जोन में तो काफ़ी कम डैमेज गिरेगा यहाँ पे उनको टेंशन तो है नहीं इसका वॉल्यूम कम कर रहे तो देखते हैं कि आगे के फाइट से 6 नंबर जो टीम है वो कैसे निकालती है इनके मुझे यहाँ पे सोलो प्लेयर दिख रहे हैं अगर हम मैप खोल कर देखना चाहें इनके प्लेयर कहाँ पे है दूसरे तो जस्ट आगे ही है उनके शायद वो वॉकिंग जा रहे थे जोन में इनको एक व्हीकल मिल चुकी है धीरे धीरे लूट करते हुए जा रहे हैं अपनी कैसे देखते बाहर निकाल दिया गेम के बाहर हम उनकी फाइट पे चलते हैं जरूर देखते कि क्या वहाँ पे सिचुएशन है कैसे टीम्स निकाल रही है फाइट अपने लिए और क्या गेम प्ले दिखाना चाहती है मतलब डोमिनेट करना चाहती है यहाँ पे पोचिंग की जो पीछे वाले वेयरहाउस है स्क्वाड हाउस है वहाँ पे ये फाइट चलती है और ये जो 13 नंबर टीम है काफ़ी बेहतरीन गेम प्ले निकाल रही है स्टार्टिंग से ये मैच में और देखा जाए तो पीएचपी 9 को काफी आसानी से ले लिया जाएगा
और चुपुश आने वाला है, देखते हैं प्लेयर की जो टीम वो कैसे हैंडल करती है कुछ को। और एक M24 का जो चार्टा पड़ा था रणजी भाई को, उन्होंने काफी भारी पड़ा है, सीधा नॉक किया गया उनका, ये फैमिली भी डैमेज हो गया रहेगा, तो आगे जाके ये फाइट थोड़ा मुश्किल हो जाएगी केजरीवाल की। शिनिगामी जो 13 नंबर टीम के जो प्लेयर है वो काफ़ी आगे आके छुप चुके हैं, तो ये यहाँ पे वो टीम नंबर 7 के लिए डेडली बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं होगा कि यहाँ पे एक प्लेयर ऑलरेडी आके बैठा हुआ है। तो देखते हैं कि ये प्लेयर क्या एक ऐसा बोलते ना एक पत्ते के, हाँ एक तुरुप का इक्के की तरह निकल के आ सकते हैं वह प्लेयर। काफी अच्छा बट देखा जाए तो पीएचडी की टीम भी कम नहीं है, तो ट्रस्टेड का मैन जी है जो मेरे पर्सनल फेवरेट है वो भी कम नहीं है, देखते हैं यहाँ पे देखा जाएगा तो वंडर वुमन को अपने अपने ऊपर मेरी वंडर वुमन ने पहले एक नेट से नॉक किया बट उसके बाद वो भी नॉक हो चुके हैं, तो दोनों टीम्स एक दूसरे अपने प्लेयर्स को रिवाइव देते हुए, देखते हैं इनकी ये फाइट कैसे चलती है। ये दोनों जो टीम्स हैं नंबर 6 और नंबर 27, ये दोनों जोन के हिसाब से खेलते हुए जोन के अलॉन्ग चलते हैं ये टीम्स, देखते हैं इनकी फाइट कैसी जाती है। और टीम नंबर मतलब काफ़ी अच्छा अगर देखा जाए तो जोन के साथ खेलना भी एक अलग स्ट्रेटेजी है, जोन टू जोन मूव करो, जो भी टीम्स आपको मिलेगी बट उनको आपको मारना पड़ता है। काफ़ी अच्छा देखते हैं कि गेम कैसे निकाल पाते हैं टीम नंबर 27 जो है यहाँ पे, इनके पास एक हाई ग्राउंड लग रहा है। और अगर हम सामने वाली टीम के पास चले जो देखिए टीम नंबर 6 जो हम बोल रहे थे जैसे कि जो जोन के बाहर से आ रही थी रोटेट करके, तो मैंने जैसे कि मैंने कहा था कि गेट कीप बहुत होता है यहाँ पे, मुझे भी लगता है कि स्ट्रैटेजी अच्छी है बट कभी कभी स्ट्रैटेजी उल्टी पड़ जाती है, ताकि अलग जो लोग गेट क्यूब कर रहे हो आसानी से आपको रोटेशन में कर सकते हैं। और यहाँ पे गाड़ी से जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है टीम नंबर 27 इनको एक नॉक दिला पाएगी, और उन्होंने स्प्रे तो डाला। और यहाँ पे पीएचपी के नानजी भाई ने टॉक्सिक ताशू को ओम से चाटा देते हुए, और टीम नंबर 6 इजीली यहाँ से निकल चुकी है। उन्होंने अच्छा रोटे डिसाइड किया कि जोन आ रहा है पहले जोन को प्रायोरिटाइज किया जाए फिर मैचेस फाइट्स लेंगे, वो थोड़ा सेफ की तरफ बढ़ते हुए पोजीशन पॉइंट्स निकालना चाहते हैं। और ये मैं देखना चाहूंगा कि टॉक्सिक जो तुषु है वो जो नॉक हुआ है पीएचपी में जो, और लाइट टेम्परेचर टेरर को नॉक कर चुके हैं यहाँ पे टीम नंबर 13, रुकना ही नहीं चाहते, जहां इन्हें बंदे देखे वो नॉक कर रही है। और शिनिगामी जो है प्लेयर रुकना ही नहीं चाहते, पीछे जो एक स्क्वाड आया था टीम नंबर 4 उनके एक प्लेयर को नॉक कर दिया इन्होंने, इनके एक प्लेयर नॉक पड़े, देखते हैं कि अपने प्लेयर को पहले रेफ देना जरूर चाहेंगे। काफी अच्छा गेम था इनके द्वारा, ये मुझे फेयर डिसीजन मतलब अगर टीम 4 काफी पास आती तो फेयर है इन्हें प्ले देना, बट एक साथ दो दो टीम की टीम से एंगेज होना भी काफी हानिकारक हो सकता है, बट देखते हैं गेम प्ले कैसे निकालते हैं। टीम नंबर 13 हमने देखा है काफी अच्छा 1-2 स्क्वाड 2 स्क्वाड उन्होंने बाय किए, अगर हम अगर हम देखा जाएंगे तो टॉक्सिक तशु जो है उनके पास यहाँ पे अभी हेलमेट नहीं है, तो ये वन हेडशॉट अगर एक एमओ एकेएम की अगर हेड पे कनेक्ट होती है तो सीधा नॉक हो जाते हैं प्लेयर यहाँ पे। और अगर हम बाकी की यूटिलिटीज़ देखेंगे तो पीएचपी के जो नानजी भाई है उनके पास आर्मर पूरा उड़ चुका है, ऑलमोस्ट 1 HP आर्मर की बची है, तो देखते हैं आगे का गेम प्ले कैसा निकाल पाते हैं। यहाँ पे 3-4 टीम से देखते हैं अपने अपने पोजीशन पॉइंट्स ले जाते हैं, फाइट लेना चाहते हैं। और अगर हम देख सकते हैं तो टीम नंबर 9 यहाँ से थोड़ा दूर जाना चाहती है पोजीशन पॉइंट्स के लिए, आई गेस जाना चाहते हैं। और अगर उनको पता रहेगा तो यहाँ पे टीम नंबर 4 के एग्जैक्टली सामने जा रहे हैं, वो पता नहीं क्या करना है, और उनके ऊपर शॉट है, काफी बेहतरीन नॉक निकाला टीम नंबर 4 के रीन कैपी ने काफी बेहतरीन चौक, और आई गेस टीम को वाइप आउट कर चुके एक टीम नंबर 9 काफी अच्छी स्ट्रेटजी लाइक स्मोक कर रही वुड करना, क्योंकि आपको पता है आजू बाजू की टीम से तो शॉट जरूर पड़ेंगे आपको, और वो भी और आप उन्होंने ओम की साउंड तो सुनी रहेगी तो वो काफी आसान लाइक काफी संभाल के वो लूट करना चाहते हैं। और देखते हैं आगे जैसे बटर कोचिंग की जो एक टीम जो भागने वाली थी उनको जो वाइप कर लिया है उनको, तो यहाँ पे वापस टीम नंबर 7 और टीम नंबर 6 और टीम नंबर 27 की फाइट होते हुए ये जोन में आते ही जोन में मूव करते करते एक दूसरे के साथ फाइट लेते हुए चल रहे, इनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग लग रही है, पता नहीं कैसे बच के निकल जाते हर बार, देखते हैं आगे के गेम में कैसे आगे तक चल पाते। और ये देखा जाए पीएचपी जो प्रॉपर गाइड था तो उनका जो आर्मर था
वो सिर्फ 1 HP हो गया, बट उनके पास अभी हेलमेट है, बट देखा जाए तो काफी खुश रुपये जो हेलमेट टूट गया है वो काफी लाइक जो लास्ट गेम में उनका काफी नुकसानदायक रहेगा वो, और काफी अनफॉर्चुनेट रहेगा अगर एक गोली उन्हें पड़ती है तो सीधा नॉक हो सकते हैं। अगर हम देखा जाएगा तो जोन थोड़ा सेंटर साइड शिफ्ट हुआ है ताकि नीचे से लोग आ सके जोन में, इजी रोटेशन हो सकता है, लेकिन मैंने जैसे कि कहा काफी बंदे गेट कीप करते हुए नजर आएंगे आपको। अगर ये थोड़ा सेंटर सदर्न साइड थोड़ा सा जोन जिसके स्कूल का जो एरिया है वो छोड़ते हुए और कोचिंग का एरिया जो पूरा कोचिंग के जोन के अंदर है और वहाँ पे एक वॉल जोन भी बना है, तो देखते हैं ये वॉल जोन भी कभी कभी नॉक निकलता है तो देखते आगे। ये तो मुझे तो लगता है, मैं तो एक बार मेरा तो स्पॉट वाइप हो गया था रोटेट जोन में, तो मैं तो हमेशा रिस्क नहीं लेता। यहाँ पे टीम नंबर यहाँ पे टीम नंबर 1 के एक प्लेयर नॉक हो चुके हैं, देखते हैं कि टीम उसके जो दूसरे साथी है दिव्यांश, देखते हैं कि फाइट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे उनके सामने टीम नंबर 21 दिख रही है और यह स्कूल की फाइट है तो काफ़ी लंबी चल सकती है। यहाँ पे साउंड सेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंदर तो पहुँच गए लेकिन अपने टीममेट्स को रिवाइव कर पाएंगे। और ये काफी अच्छा टेस्ट मैनेजमेंट टेस्ट जो था बोल सकते हैं का, और ये जो स्प्रे था जो जिन्होंने नॉक किया था उनका शायद स्प्रे थोड़ा छूट गया और उनको फिनिश नहीं कर पाया, बट ये जो स्कूल है उसकी जो फाइट है जो काफ़ी लंबी चलती है काफ़ी मुश्किल होती है स्कूल है, बट अभी जो टीम नंबर 28 है उन्होंने पुश कर दिया है देखे टीम नंबर 1 को खत्म कर पाते हैं। यहाँ पे टीम नंबर 1 के जो प्लेयर थे वो अपने पैरों पे उठ चुके और उन्होंने हील भी लगा लिया है, तो अभी ये फेयर फाइट होगी। हालांकि 70 HP है और एक बूस्टर लगाते ही वो हील अप जरूर करना चाहेंगे अपने आप को, और पर लेकिन 28 के टीम मेंबर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे, वो पुश की तैयारी पे, लेकिन वही है स्कूल की फाइट से तो काफ़ी लंबी चलती है। और यहाँ पे PHP के तोतला सेट ने किसी एक प्लेयर को नॉक गिराया था, तो आइए उनकी भी फाइट देख लेते हैं। और ये फाइट जो अपार्टमेंट की फाइट है वो काफ़ी लंबी चली गई, ये नॉक निकलती होती है और देखते हैं इनका आगे कैसे बढ़ता है। PHP जो टीम है उनका जो लोड आउट है वो काफ़ी अच्छा है, ग्रोजा और कॉम और ये सामने PHP 9 नॉक पड़े हुए है, उन्होंने काफी कोशिश की अपने टीममेट्स को बचाने की लेकिन नहीं बचा पाए, लेकिन उन्होंने काफी अच्छे 2 kills निकाले हैं। यहाँ पे देखते हैं आगे की फाइट इनके लिए थोड़ी मुश्किल तो जरूर होगी क्योंकि टीम प्लेयर होता है तो एक प्लेयर एडवांटेज होता है, देखते हैं आगे की फाइट्स कैसे निकाल पाते हैं ये। और ये काफी दुखद पर मैं बहुत लगा रहेगा 95 को कि थोड़े से अगर 1 सेकंड आधे सेकंड के लिए गिर जाते तो मैं बच जा रहा था, बट क्या कर सकते हैं उन्हें भी टीम वाइप करने के सामने वाली और टीम वाइप करके वो रेम ले सकते थे नहीं तो वो भी फिनिश हो जाते थे, तो काफी अच्छा डिसीजन था टीम वाइप करके रहते हैं। अगर 7-7 फ्रंकी की बात किया जाए तो इनके एक जो टीम में प्लेयर थे वो अर्ली एग्जिट ले चुके थे गेम के, अभी ये जोन के बाहर थोड़ा जोन का डैमेज लेके जाना चाहते थे और हमने स्टार्टिंग से देखा था ये रोजॉक में ही उतरे थे और अभी तक रोजॉक में, तो इनने काफ़ी कहीं पे रोटेशन मारा नहीं है ज़्यादा, देखते हैं कि अभी कहाँ जाने की कोशिश करते हैं। जोन के अंदर तो इन्हें जाना ही है, बहुत जोन का डैमेज भी गिर रहा है, प्लस अगर आगे गेट कीप कर रहेंगे बंदे तो उसका भी डैमेज होगा, देखते हैं इनकी फाइट्स कैसी होती है। और अगर हम बात करिए तो ये जो टीम नंबर 27 थी वो काफ़ी दूर से रोटेशन लेके आई है, रेजन के आप स्कूल पे जो फाइट चल रही थी वहाँ पे नॉक्स निकाले जा रहे हैं, वहाँ पे चलते हैं वहाँ की फाइट देखते हैं कि कैसे चल रही है। एक लाख मौत ने काफी बढ़िया चाटा दिया उनका रेजन को, रेजन क्राफी को, देखते वो वाली फाइट कैसे चलती है। और ये एक लाख मौत का जो लोडो टेम्पो एक ओम अभी नेट पुल किया टीम नंबर 4 के लिए और ये आगे बढ़ते हुए टीम पुश कर रही है, यहाँ पे हेलमेट उड़ा दिया है वो जो रेजन क्राफी का था, जो और नेट का जो एक एक लाख मौत खुद को ही नॉक करते हुए खुद को फिनिश कर दिया, काफी बड़ा ब्लंडर था ये एक लाख मौत का, खुद को फिनिश कर दिया क्योंकि नेट से जो शायद उनका नेट बाउंस बैक हो गया और खुद ही फिनिश हो गया। और अगर देखा जाएगा तो टीम नंबर 1 के जो प्लेयर है वो एक प्लेयर उनके नॉक एंड फिनिश हो चुके थे कहीं ना कहीं फाइट में, तो इन्हें भी थोड़ी मुश्किलें होगी आगे जाने के लिए क्योंकि एक सोलो प्लेयर बाकी है टीम के। और टीम नंबर 4 की अगर बात की तो उनके प्लेयर नॉक बहुत बार हुए लेकिन उन्होंने अपने प्लेयर्स को वापस रिवाइव करके 2-man जो डुओ स्क्वाड है वापस जमा उठा लिया है उन्होंने अपने प्लेयर्स को। और ये
टीम नंबर वन ने जो स्पॉट कर लिया टीम नंबर फोर को, भी देखते हैं आगे कैसे बढ़ती है फाइट। और जो टीम नंबर फोर की आपने बात की, इसको टीम वर्क लाइक जो आप अगर एक बंदा नॉक हो रहा है तो उसको हम पैरों पर खड़ा करके फिर आगे वाली फाइट ले रहे हैं टीम नंबर फोर। और ये टीम नंबर थर्टीन जो है टीम नंबर 13 ने एक अच्छा बेहतरीन नॉक निकाला है वॉच टावर में टीम नंबर 6 का जस्ट JDL का। और ये हम टीम को देखते आ रहे थे काफी लंबे लंबे रोटेशंस लेते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं। और ये बेहतरीन नेड हो सकता है कूल के, लेकिन उनके जो दूसरे प्लेयर थे उन्होंने पुश किया, लेकिन उनके पीछे से गाड़ी जाती हुई उनको साउंड जरूर आया था। और टीम नंबर 13 ने और एक डीओ वाइप कर दिया, काफी बेहतरीन खेल रही है टीम स्टार्टिंग से, पोचिंग में उतरी हुई और पोचिंग को पूरा डोमिनेट करके रखा हुआ है टीम ने। और इनको जरूर एक साउंड की जरूर आ रहेगा कि यहाँ से एक डासिया गुजरी थी उनके बाजू में से, तो देखते हैं कि ये प्लेयर चिकन डिनर निकाल पाते कि नहीं। इनके ऑलरेडी 6 किल्स हो चुके हैं, आपका क्या कहना है? काफी अच्छा खेल रहे हैं, जो पहले से इन्होंने डोमिनेशन रखा है वो बरकरार रखा है। कोचिंग टीम में उन्होंने शुरू किया था, उन्होंने दो टीम वाइप की थी कोचिंग टीम में, उसके बाद अभी एक टीम वाइप की। और काफी अच्छा लाइक तीन जो टीम जो छह किल्स में मिले है काफी फॉर्मूले किल्स थे और ये काफी अच्छा खेल रहे जो एग्रेशन लोग दिखा रहे हैं। जो एक नॉक करके तो उस नॉक एंड टू वाला जो स्ट्रैटेजी है वो उन्होंने अपनाया है। और टेबल फ्रेंड में देख सकते हैं कोचिंग के एरिया में आते रहे और रोटेशन मार रहे हैं, और सिंगल प्लेयर होने के कारण एक ज़्यादा एंगेज नहीं हो रहे हैं फाइट्स के लिए। और हम देख सकते हैं जोन जो है वो थोड़ा लेफ्ट साइड मूव करते हुए, और पीएसपी जो टीम है वो जोन के अंदर है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो काफ़ी क्लस्टर हो चुका है लोगों का, काफ़ी टीम्स यहाँ पे करीब अपने मैप में दिख रही है अपने सामने, तो देखते हैं कि कैसे प्लेयर्स अपने लिए मैच निकालते हैं यहाँ पे। लाइक टीम नंबर 28 जो काफ़ी देर से रोटेशंस मार रहे हैं अपने लिए सेफ जगह ढूंढ रहे, कहीं ना कहीं प्लेयर्स के बीच में ही आके वो रुक जाते हैं। आपने जैसे ही बोला था कि जो PSS वाला लोड आउट है वो कंटिन्यू करेंगे कि नहीं, और उन्होंने कंटिन्यू किया है लास्ट टाइम तक। जैसे मैंने बताया कि अभी जो भी कंफर्टेबल रहती है प्लेयर्स को वही वो यूज करते हैं, और जो टिपिकल जो लोड आउट रहता है वो उनका वो जो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के, क्योंकि VSS का आप देखा जाए उनका साउंड नहीं आता, तो साउंड का काफ़ी इशू रहता है, पता नहीं चलता कि शॉर्ट्स कहाँ से आ रहा है। अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो एक नॉक तो पक्का निकल जाता है। अगर हम टीम नंबर 27 की बात किए तो यहाँ पे अच्छा खासा गेम प्ले इनके, उनको पता है हमारे आजू बाजू कहीं ना कहीं बंदे, तो अच्छा खासा गेम प्ले दिखाते हुए यहाँ पे प्रोन गेम पे दिखा रहे हैं, लेकिन अपने टीम को आगे बढ़ा के जा रहे हैं। वहाँ पे आई एम ग्रूट ने काफ़ी अच्छा नॉक निकाला है टीम नंबर 13 के लिए, और आई गेस टीम नंबर 13 को वाइप कर दिया है। टीम नंबर 13 के एक प्लेयर को बाहर निकाल चुके हैं, देखते हैं आगे की फाइट कैसे लेते हैं वो। एम ग्रुप ने और एक गोला सेट को फिनिश किया, और ये ट्रायल PDSP का खत्म हो चुका है। और टीम नंबर 4 ने 1v1 की यहां पे फाइट बनती है टीम नंबर 14 वर्सेस टीम नंबर 4 पे, यहां पे एक स्मोक डाला है उन्होंने, जरूर अपने प्लेयर को पीछे आने के लिए डाला रहेगा, लेकिन उनके सामने प्लेयर उनके खत्म होते हुए दिख रहे, देखते हैं कि ये टीम 1v1 निकाल पाते हैं कि नहीं। उनको साउंड लिस्ट तो आगे रह के बंदे आ रहे हैं और ये उनके सामने आ चुके हैं, और ये टीम नंबर डैडी ने काफी बेहतरीन होल्ड करके टीम नंबर जयंत वाडेकर की जो टीम थी उनको निकाल दिया, और टीम फ्रैंकी ने वापस थर्ड पार्टी करके डैडी को भी बाहर निकाल दिया है। वहां पे डैडी रेफ कर रहे थे अपने प्लेयर को, और यहाँ पे थर्ड पार्टी के चक्कर में टीम नंबर फ्रैंकी हमेशा आराम से रुके रहते और प्लेयर को मार के किल ले लेते। आज काफी अच्छा किल करते हैं 30-15% रैंक के, काफी ओपी बंदे है ये। और देखा जाए लाइक सोलो प्लेयर है, उनको पता है कि ज्यादा एंगेज नहीं होना है, बट जहाँ पे उनको मौका मिलता है वहाँ फिर चिराते हैं, और उनको पता था कि वो रन दे रहे तो अगर एक शॉट भी पड़ा हेड पर और तो वो फिनिश हो सकते हैं, क्योंकि उनको डैमेज भी उतना पड़ा था सामने वाली टीम से। और जो जयवंत वाडेकर की हम बात करें तो ओवर कमिट कर बैठे थे आई गेस, क्योंकि जो उनका एक प्लेयर नॉक भी पड़ा था, उनके पास स्मोक भी था, तो थोड़ा यहाँ पे इवेस्ट ने VSS से एक नेल नॉक निकाला है उन्होंने, काफी बेहतरीन गेम प्ले खेल रहे हो। VSS की जो कंट्रोल है जो एनडी स्ट्रेंजर का वो काफी अच्छा है, VSS का कंट्रोल उनके टीम नंबर 1 और टीम नंबर 7
टीम नंबर 1 और टीम नंबर 15 जो 2020 ये दोनों सोलो प्लेयर्स है, और जो टीम नंबर 20 है एंड टीम नंबर 28 ये दोनों 2-2 है, तो देखते हैं 2v2v1v1 है, देखते हैं आगे कैसे बढ़ते। चार टीम जिंदा है और 6 अलाइव है, और ये लास्ट फाइट होने की लास्ट फाइट होने वाली है अभी कुछ ही देर में, वैसे ही फाइनल कौन निकालता है। और हम देख सकते हैं RX PGP अभी भी 0 किल्स का है, बट उन्होंने जो चिकन डिनर जो कमिट किया था कि नेक्स्ट गेम में हम चिकन डिनर नहीं आते, लास्ट गेम में उन्होंने सेकंड पोजीशन सिक्योर की थी, तो अभी ये वाले जो मैच है उन्होंने पक्का चिकन डिनर निकाला। और उनके सामने टीम नंबर 1 के प्लेयर खड़े थे दिव्यांश, उन्होंने एक बेहतरीन एक किया, उनका नॉक निकाल के फिनिश कर दिया तुरंत ही, ताकि उनका किल कहीं पे स्टील ना हो। इसी की तरह रेक्स पीजीपी की जो टीम थी वो भी अभी वन मैन स्क्वाड बची है, यहाँ पे बहुत बेहतरीन गेम प्ले खेला गया है दिव्यांश ने, जो टीम नंबर 1 है हमारी, काफी अच्छा उन्होंने रिफ्लेक्स दिखाया था। इनका जो स्प्रे था दिव्यांश का जो स्प्रे था लास्ट मैच में देखा था गाइस, तो उन्होंने दो नॉक डाले थे, और एक अभी ये देखा जाए तो सिर्फ एक ही टीम जो है वो दो बची है इनके ऊपर। राइट साइड से शॉट्स आते हुए टीम नंबर 28 के, देखते हैं कि अभी दिव्यांश यहाँ से आगे कैसे निकाल पाते हैं फाइट्स अपने लिए, क्योंकि हमें तो दिख रहे थे उनके सामने और एक प्लेयर, और टीम नंबर 28 को एक शॉट पड़ता है, शायद 7-7 फ्रेंकी ने M24 का चाटा दिया जरूर होगा, लेकिन लेवल 3 के हेलमेट होते हुए बच चुके हैं वो। और ये टीम नंबर 28 को जोन के आगे है, जोन के अंदर आना है आगे, और रेस्पीजीपी है जो है वो शेक के अंदर बैठे हेड बैठक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे जो टीम है वो खुद फिनिश होके फिर जो उनका प्लेसमेंट पॉइंट है वो आगे बढ़ पाए, और देखते हैं उनका आगे कैसे मैच चलता है। और टीम नंबर जो 15 है वो जोन के अंदर है, जो 777 फ्रैंक है वो जोन के अंदर अभी जोन के यहाँ पे दिव्यांश के ऊपर स्प्रे करने की कोशिश जरूर की टीम नंबर 28 के, लेकिन उनको जोन का डैमेज गिरते हैं, और टीम नंबर 28 दिव्यांश के एग्जैक्ट सामने, लेकिन स्प्रे करेक्ट नहीं होता, दिव्यांश का बहुत बेहतरीन स्प्रे, उन्होंने और एक प्लेयर नॉक गिरा है, देखते हैं उन्होंने और एक टीम एक स्क्वाड डीओ वाइप कर दिया, टीम नंबर 28 जो थी उन्होंने काफी जोन में भी वो आए उनके साथ आए, उन्होंने काफी बेहतरीन नॉक निकाला। और यहाँ पे अभी दो अगर हम कहे जाए तो तीन टीम जरूर बाकी है, लेकिन एक टीम इनके पास वन फर्स्ट एड बाकी है, अभी ये टीम नंबर 20 भी शायद नॉकआउट होते, क्या एक निकाल के जाएंगे एक प्लेयर को कि अपना किल प्लेस उनको दे देंगे। और इसके बाद अभी 7-7 फ्रैंकी को किल देते हुए इसी के साथ दिव्यांश को जरूर पता चल गया रहेगा कि एक प्लेयर उनके घर के सामने मौजूद है, और ये प्रॉपर 1v1 की फाइट है, देखते हैं कि कैसे निकाल पाते प्लेयर्स अपने लिए फाइट। और 7-7 फ्रैंकी वर्सेस दिव्यांश जो टीम नंबर 1 है, काफी बढ़िया खेले दिव्यांश पूरे मैच में, देखते अपने लिए गेम प्ले कैसे निकाल पाते आगे का। और इस स्मोक्स का क्लाउड्स बनाते हुए सामने फ्रेंकी, ताकि जोन में थोड़ा उनको आना है, देखते कैसे आते। और ये दिव्यांश से काफी अच्छी स्पॉटिंग उनके, और ये चिकन विनर विनर चिकन डिनर उन्होंने निकाल लिया है, सोलो प्लेयर बाकी थे पहले से, उनके टीम के 8 किल्स है जिनमें से 7 किल्स तो उनके, एक काफी बढ़िया गेम प्ले उनकी तरफ से, काफी अच्छा डोमिनेशन रहा है दिव्यांश का एक गेम में। और देखा जाए तो किल्स के बारे में DDC जो स्क्वाड का 7 नंबर स्क्वाड DDC का जो स्क्वाड था 4th नंबर का स्क्वाड, उन्होंने भी काफी अच्छा खेला था, और जो 13 नंबर स्क्वाड था टॉक्सिक पिशु का वो भी उन्होंने भी काफी अच्छे गेम्स निकाले थे। और सेकंड रैंक पे आते हुए 777 का जो स्क्वाड है वो भी 2 किल्स पे, बट उन्होंने सेकंड पोजीशन स्क्वाड किए थे, उनके जरूर आप देख सकते हैं कि 7-7 फ्रैंकी रोजॉक में उतरे थे, उनका जो प्लेयर था 7 वाला वो पहले ही नॉक हो चुका था, फिनिश हो चुका था, तो भी उन्होंने बढ़िया गेम प्ले दिखाया, होल्ड किया पूरे मैच में, और अपनी स्नाइपिंग टेक्निक्स दिखाकर उन्होंने काफ़ी किल्स लिए हैं, थर्ड पार्टी करते हुए उन्होंने बहुत किल्स लिए है, बट लास्ट में जोन की वजह से वो नहीं कर पाए, और इट्स दिव्यांश ने उनको फिनिश किया और ये चिकन डिनर लिया है, देखते हैं। और अगर उनके जो पोजीशन पॉइंट है वो काफी बड़े रहेंगे और काफी डिफरेंस लाया रहेगा उनको, जो चैंपियनशिप जीतने के लिए क्लोज लाया रहेगा। और रेक्स का जो टीम है उन्होंने भी थर्ड पोजीशन जीत के, बट उनके स्किल्स के रोए उन्होंने पहले दिखाए हैं वाले मैच में ज़्यादा इंगेज नहीं हुए किसी के साथ, तो देखते हैं जो पोजीशन पॉइंट जीता है ये वाले टूर्नामेंट। अच्छा, ये टूर्नामेंट का जो रिजल्ट है अपने सामने थोड़े ही देर में आता ही होगा, लेकिन हम जितनी तारीफ करें दिव्यांश की मेरे हिसाब से तो कम है, फाइनल मैच हो के इतना प्रेशर हो के उन्होंने इतना बढ़िया खेला, लाइक
टीम्स के लिए उन्होंने खुद के लिए 7 किल्स तो लिए और टीम को भी काफ़ी बूस्ट अप करता है, लाइक चिकन डिनर निकाला उन्होंने सोलो प्लेयर बाकी होने के बाद। और वो ऐसे प्लेयर थे जो काफ़ी टीम्स के सामने से गुजरे थे रोटेशन के टाइम पे, जहाँ पे भी जा रहे थे उनको प्लेयर्स मिल ही रहे थे रोटेशन, जहाँ पे भी वो गाड़ी रुकाना चाह रहे थे वहाँ पे प्लेयर्स मिल रहे थे, फिर भी उन्होंने काफ़ी बेहतरीन चिकन डिनर निकाला यहाँ पे। काफी और ऐसा भी नहीं कि अगर सोलो प्लेयर बचे तो ज्यादा एंगेज है, वो एंगेज करके फाइट प्ले के में साथ के प्लेयर है, तो ये जो चिकन डिनर है वो वर्थ चिकन डिनर है उनके लिए, मैं ऐसा कहूंगा क्योंकि जो उनका जो किल पॉइंट्स है वो भी ज्यादा है। और जो चिकन डिनर जो उनका गेम प्ले देखा था, उनके जो स्प्रे थे आपने देखा कि जो दूर से जो सामने 28 नंबर को उन्होंने नॉक किया था और फिनिश किया था, वो दोनों बंदों को उन्होंने दो स्प्रे के अंदर दोनों बंदों को नॉक फिनिश कर दिया, एक टीम उन्होंने सिंगल हैंडेडली वन भी तो निकाल दी थी और उनको पता था पीछे भी बंदे हैं, बट जो भी उनका जो स्ट्रैटेजी था क्रोनडाउन के लिए उन्होंने स्प्रे डाली थी उनके ऊपर, तो वो टीम फिनिश करने में कामयाब हुए थे। काफ़ी भरपूर जो एक चिकन डिनर बोल सकते हैं वो दिव्यांग को मिला है। जी हाँ ज़रूर, तो इसी के साथ थोड़ी देर में रिजल्ट ज़रूर मिल जाएगा और हम अभी सोच रहे हैं कि अगर हम और एक मैच अगर कास्ट कर सके तो ज़रूर करेंगे, देखते थोड़ी देर में आपको पता चल ज़रूर जाएगा कि हम और एक मैच कास्ट कर रहे हैं कि नहीं। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। और अगर आपको एक अगर आपको ये कास्टिंग पसंद आए और ये टूर्नामेंट पसंद आए तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को जितना हो सके शेयर करें, और चैट भी जो भी है मुझे तो लगता है कि अभी के लिए डिफेंस को पीछे चलना चाहिए क्योंकि बंदे ने काफी ओपी गेम प्ले दिखाया है इस मैच में। जी हाँ जरूर, तो इसी की तरह सेकेंड और एक शायद मैच खेला जाएगा, मुझे कंफर्म पता नहीं है, मैं आपको रिजल्ट आने के बाद मिलता हूँ, मिलते हैं 2 मिनट के बाद।